कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, आप क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से सुनिए और फिर मैं उनको सॉल्व करूंगा, आप देखना, ठीक है? आप लिखने के लिए भी मत जाओ, क्योंकि क्वेश्चन लिखोगे फिर सुनोगे भी तो कंसंट्रेशन डिवाइड होगा। क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, कंसिडर अ हाइपोथेटिकल वर्ल्ड वेयर द फेस ऑफ अ पर्सन इज क्यूबॉइडल एज शोन। तो जो चेहरा दिखा रखा है आपको, एक क्यूबॉइडल चेहरा दिखा रखा है, और इसीलिए कह रहे हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको इमेजिन करने के लिए। क्वेश्चन का पार्ट है, क्वेश्चन में डायमेंशन दे रखा है, देखो हाइट ऑफ फेस दे रखा है, विड्थ ऑफ फेस दे रखा है, एंड सेपरेशन बिटवीन द टू आईज वो भी दे रखा है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइंड द मिनिमम एरिया ऑफ अ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू व्यू द कंप्लीट इमेज ऑफ द फेस बाय द पर्सन हिमसेल्फ। उस इंसान को खुद की इमेज को देखना है, खुद के फेस की इमेज को देखना है, तो इसको देखने के लिए कम से कम कितनी एरिया का मिरर लेना पड़ेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको याद हो तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है, जिसमें एक इंसान को खुद को देखना है तो कितने डायमेंशन का चाहिए होता है, ये हमने फाइंड आउट किया था। आपको याद है ये वाली कंसेप्ट? यहाँ पे सामने में एक मिरर लगाते थे और इंसान को खड़ा करते थे, और इंसान अगर एच हाइट का था तो एच बाई टू हाइट का हमें क्या चाहिए था? मिरर चाहिए था। रिमेम्बर, याद है आपको? ये याद है? नहीं याद है? हाँ सर याद है। ठीक है, इसका मतलब हाइट के लिए अगर हम बात करें तो इंसान का जो हेड हेड का टिप है और चिन जो है उसके बीच का सेपरेशन कितना एच है, तो उसको वो फेस का पूरा हाइट देखने के लिए जो चाहिए होगा मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो कितना चाहिए होगा? एच बाई टू चाहिए होगा, राइट? तो यहाँ पे आप वैसा सिचुएशन दिखा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे कि जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाली फेस दिखा दी, फेस का साइड व्यू दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये वाली हाइट हमारी एच है, और यहाँ पे मान लेते हैं इंसान के आईज है, एंड यहाँ पे अगर हमें मिरर लगानी है तो मिरर का जो मिनिमम डायमेंशन हमारा रिक्वायर्ड होगा वो यहाँ से लेके यहाँ पे इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड करके, और सिमेट्री यूज करके, मतलब सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स यूज करके आप जो फाइंड करते थे, ये एग्जैक्टली आपका एच बाई टू आता था। ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिराइव्ड है, तो मैं ये वाला पार्ट को नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बस मैं दूसरे वाले पार्ट को करूंगा, क्योंकि वहां पे एक डिफरेंट चीज आपको देखने को मिलेगा। दिस हाइट इज बेसिकली एच बाई टू, ठीक है, ये हमने हाइट निकाल लिया, हमें एरिया पूछा उसने, मतलब अब विड्थ कितनी चाहिए वो भी फाइंड करनी पड़ेगी। ये हमने कौन सा व्यू ड्रॉ किया है? ये हमने साइड व्यू ड्रॉ किया है ना, मतलब एज एन ऑब्जर्वर अगर आप इधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, तब आपको क्या दिखेगा? आपने ये फाइंड किया है, क्या आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अब इंसान का टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। अगर हम इसको टॉप व्यू में ड्रॉ करते तो कैसा दिखता है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, टॉप व्यू में अगर ड्रॉ करें तो हमें ये वाली फेस की मतलब ऊपर से जो विड्थ है वो दिख रहा है, यहाँ पे दोनों आंखें हैं, सिमेट्रिकली लोकेटेड है, आंखें सिमेट्रिकली लोकेटेड होंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे दो आंखें भी हमने बना लिया, ठीक है, यहाँ पे एक आंख है और यहाँ पे एक आंख है, ठीक है, सो ये दो आईज है पर्सन के, एंड इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी हमें दे रखा है, ये वाला सेपरेशन हमारा स्मॉल डी है, दिस सेपरेशन इज स्मॉल डी, एंड कैपिटल डी इज टोटल वेट, मतलब यहां से यहां तक का सेपरेशन। दिस सेपरेशन इज कैपिटल डी। अब इमेजिन करो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिरर लगाते हैं, लेट्स से कि हमने यहाँ पे मिरर लगाया, अब मिरर में कितना साइज का हमें मिरर चाहिए इसको देखने के लिए, कम से कम वो फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मली क्या करते हो आप, नॉर्मली जो करते हो आप, ये क्या करते हो कि रे को आपने क्या किया, यहां से इंसिडेंट कराया एंड यहां से रिफ्लेक्ट करा दिया, तो इससे सिमिलैरिटी यूज करके आपको यहां से ये वाली विड्थ को देखने के लिए कितना मिरर चाहिए ये आप फाइंड आउट कर पाओगे। सिमिलर तरीके से यहां से अगर आपने ले लिया तो यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा, फिर ये वाली डायमेंशन को भी देखने के लिए कितना विड्थ चाहिए आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया, तो ये वाला साइज आप आंसर कर लेते। बट ये जो आंसर आता है ये गलत आंसर हो जाता, क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे ये डायरेक्ट विजन यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट विजन मतलब कि हम ये वाले एज को, मतलब फेस का ये वाला एज को देखने के लिए ये वाली आई को यूज कर रहे हैं, और ये वाले एज को देखने के लिए ये वाली आई यूज कर रहे हैं। बट अगर आप क्रॉस विजन यूज करते हैं, क्रॉस विजन मतलब ये वाले एज को देखने के लिए अगर मैं राइट आई यूज करता और राइट वाले फेस का एज को देखने के लिए अगर मैं लेफ्ट आई यूज करता, तो इससे जो विड्थ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड होता वो और कम हो जाता। देखो कैसे, अगर मैं यहां से ऐसा सिचुएशन लेता, सपोजली यहां से एक रे लिया
अच्छा पहले यहाँ पे इन दोनों का मिडवे डिवाइड कर लेता हूँ एक करके। जिस तरह की थोड़ा सा रुक जाइए, मैं एक बार इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। डायग्राम ड्रॉ करना है मुझे, रे डायग्राम। अब देखो अगर मैं यहां से एक रे लेता हूँ और इसको यहाँ पे इंसिडेंट कराता हूँ और फिर रिफ्लेक्ट करा के अगर आंखों पे पहुंचाता हूँ, देखो ये मैंने लेफ्ट वाले फेस का एज को देखने के लिए राइट वाला आई को यूज किया है। अब सिमिलर तरीके से अगर राइट वाले एज को देखने के लिए अगर हम लेफ्ट वाले आई को यूज करते तो देखो अब जो साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड है देखो काफी कम रिक्वायर्ड है। दिख रही है आपको? ये देखो ये वाला साइज जो है ये मिनिमम साइज रिक्वायर्ड है, दिख रही है? Can you see this? सर, हाँ बोलिए सर, अगर हम किसी चीज को देखते हैं तो उस चीज का तो दोनों आंखों में ही दो दो इमेज फॉर्म होने चाहिए, फिर भी तो हम उसे देख पाएंगे। दोनों आंखों में दो दो इमेज फॉर्म होने चाहिए मतलब? मतलब सर, अगर एक आंख में एक इमेज फॉर्म होता है किसी चीज का और दूसरी आंख में कोई इमेज फॉर्म नहीं होता, तो फिर हम क्या उसे देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को? बिल्कुल, आप अपना आंख बंद कर दो, आपको पता चल जाएगा। नहीं देख सकते आप एक आंख से चीजों को? नहीं देखते क्या? हाँ देखते हैं। तो फिर ये दोनों आंखें तो इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी इमेज फॉर्म करती हैं, एंड उसके बाद फिर आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करके फिर एक सिंगल इमेज की तरह दिखाता है उसको। वो तो ब्रेन का काम है, बट दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंट इमेजेस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब हमें ये देखो ये वाली विड्थ जो चाहिए मिरर की, अब ये विड्थ सिर्फ सिंपल ज्योमेट्री से ही निकाल लेना है। ये आईज के बीच का सेपरेशन हमें स्मॉल डी दिया हुआ है, तो ये वाला सेपरेशन कितना हो जाएगा आप ये बताएंगे? दिस इज कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई टू, आएगा क्या ये? देखो तो चेक करो, आएगा राइट? अब अगर मैं इधर से ये वाले डिस्टेंस को अगर मार्क करूं तो ये कितना है? ये कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ माइनस डी बाई डी माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू होल्ड बाई टू, मतलब ये वाला डिस्टेंस का बेसिकली हाफ कर देना है ना, है ना भाई? यही क्या ना आपने? हाँ ठीक है, तो उसको हाफ कर देंगे। सो ये वाला डिस्टेंस ही मार्क कर रहे हैं, सो दिस इज स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई टू, एंड इसका फुल डिवाइडेड बाई टू कर लेंगे। ठीक है आपने, तो इसको अगर रीअरेंज करें तो इसको ऐसे ले सकते हैं, दिस इज स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी एंड डिवाइडेड बाई टू आ जाए, ठीक है, सॉरी बाई फोर आ जाएगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली तो इधर से भी ये सेम डिस्टेंस होगा, इधर से भी ये आपका d प्लस डी डिवाइडेड बाई फोर है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया हमारे लिए? d प्लस डी एंड देन डिवाइडेड बाई, सॉरी d प्लस डी नहीं, ये हो जाएगा d माइनस ऑफ d प्लस डी डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा, विच इज बेसिकली कैपिटल d माइनस स्मॉल d एंड डिवाइडेड बाई टू आ जाएगा। देखो क्लियर है क्या? चेक करो, ठीक है। तो आपको विड्थ कितना मिनिमम चाहिए आपने ये निकाल लिया, और आपको हाइट कितना चाहिए था मिनिमम वो निकाल लिया, सो देयरफॉर मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड कितनी हो गई आपकी? मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड चाहिए था, तो अब लेंथ इनटू ब्रेड कर लेंगे या हाइट इनटू विड्थ कर लेंगे। हाइट था आपका h बाई टू एंड इसके साथ विड्थ आपका मल्टीप्लाई होगा विच इज कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, सो विच इज h इनटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई फोर हो जाएगा। इसमें मेन जो चीज वो था वो ये यूज करने के लिए कि जब हम अगर हम अपने फेस के विड्थ को मतलब जो दो एजेस है उसको देखने के लिए यूज कर रहे हैं तो मिनिमम साइज निकालने के लिए आपको लेफ्ट फेस का एज को लेफ्ट आई पे नहीं ले जाना था, लेफ्ट फेस का एज का रे को आपको राइट आई पे ले जाना था, तो इससे आपका साइज ऑफ मिरर आपका कम आता। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो करते हैं। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, द एक्स वाई प्लेन इज द बाउंड्री बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट मीडियम मीडियम वन विद जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड म्यू इक्वल टू रूट टू। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डायग्राम एक ड्रॉ कर देता हूँ सिचुएशन को दिखाने के लिए। ये मान लेते हैं जेड इक्वल टू जीरो है, तो इससे ऊपर वाला मीडियम आपका रूट टू वाला है, मतलब इसको म्यू वन कह लेते हैं, ये आपका रूट टू है, और इसके नीचे वाला मीडियम म्यू टू जो कि आपका रूट थ्री वाला मीडियम है। ठीक है, ये डेटा हमें दे रखा है, मैं ऊपर का डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्सिस चूज कर रहा हूँ।
A light ray traveling from medium one is incident on the boundary. An incident ray can be represented by the vector I vector equal to 6 root 3 I cap, 8 root 3 J cap, and minus 10 K cap. Find a unit vector in the direction of refracted ray. Refracted ray ke along aapko ek unit vector find out karni hai. Ab isme karenge kaise? Jaise ye jo maine z equal to 0 likh rakha hai, ye kya plane bata sakte hain? Kaun sa plane hai ye? Z equal to 0 kaun sa plane hai? XY plane. XY plane hai, ye aapko samajh aa rahi hai? So this is XY plane basically. To XY plane mein जो भी कंपोनेंट है मतलब इंसिडेंट रे का, क्या हम उसको पैरेलल कंपोनेंट कह सकते हैं? पैरेलल कंपोनेंट मतलब जो इंटरफेस से पैरेलल है, जो बाउंड्री है उससे पैरेलल, ठीक है? और रे जैसे जैसे ये सोचो कि मेरा हाथ को सोचो कि ये z इक्वल टू जीरो वाला प्लेन है, मतलब एक्स वाई प्लेन है मान लो, और रे इमेजिन करो ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है. तो इसके दो कॉम्पोनेंट है, इस डायरेक्शन के दो कॉम्पोनेंट है, एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट है और एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है. ये जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है ये बेसिकली क्या है, इसके प्लेन में है या नहीं है? समझ आ रही है आपको? अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? तो ये जो हमने दिखा रखा है, जो इंसिडेंट रे दिखा रखा है, इसके दो पार्ट है, 6 रूट 3 आई कैप प्लस 8 रूट 3 जे कैप एंड माइनस ऑफ 10 के कैप. ये जो दे रखा है उसने, इसको मैं कह रहा हूं दिस इज बेसिकली कंपोनेंट पैरेलल टू बाउंड्री, एंड बाउंड्री अपना एक्स वाई प्लेन है, ठीक है? एंड ये ऑब्वियसली आपका परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट हो जाएगा. This is perpendicular component. ठीक है? तो अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यूनिट वेक्टर अलोंग दी पैरेलल कॉम्पोनेंट, जैसे अच्छा इसमें ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे इसे दिखाता हूं फिर आपको समझाता हूं. इमेजिन करो कि ये हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है? दिस इज इंसिडेंट रे. इस इंसिडेंट रे को हम आई वेक्टर कह रहे थे, ठीक है? दिस वॉज गिवन टू अस. इस इंसिडेंट रे को अगर मैं कॉम्पोनेंट में ब्रेक करूं, दो कॉम्पोनेंट इसके, एक है यहां पे देखो ये आई परपेंडिकुलर है और एक यहाँ पे I पैरेलल है. क्या आपको दिख रही है? Can you see that? Yes, sir. ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर लिखें तो यही बेसिकली हमारा I पैरेलल था और यही बेसिकली हमारा I परपेंडिकुलर था, ठीक है? यही है ना, करेक्ट है? अब ये बताओ मुझे कि I पैरेलल की अगर हम बात कर रहे हैं तो I पैरेलल का मैग्नीट्यूड कितना है? I पैरेलल का मैग्नीट्यूड कितना है? रूट अंडर ऑफ 6 root 3 ka square and plus 10 root 3 ka square, which is, sorry, 8 root 3 ka square. 8 root 3 ka square, which is basically 10 root 3. Are you again? Check kura. Yes, sir. Okay? Iska matlab mujhe ye pata chal gaya ki iska magnitude kitna hai? This is 10. This is 10 units. And I perpendicular ka magnitude bhi kitna hai? Sorry, 10 root 3. 10 nahi, 10 root 3. I parallel is 10 root 3 and I perpendicular की बात करें तो ये कितना था? 10 था ना, right? नीचे की तरफ 10 था, right? ठीक है, direction में भी देखो नीचे की तरफ मैंने दिखा रखा है. तो देखो तो इस interface पे कितने angle पे ये incident हो रहा है, क्या आपको ये पता चल गया? ये angle को अगर मैं angle of incidence के लिए I लिख रहा हूँ तो obviously ये angle भी I है. अब देखो tan I अगर आप find out करोगे, tan I आपका 10 root 3 divided by 10 मतलब रूट थ्री आ रही है, इसका मतलब बेसिकली आई आपका 60 डिग्री हो गया है, करेक्ट है? अब रे रेरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है तो ऑब्वियसली रे क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, तो ये रे को हम नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड कर दे रहे हैं, ठीक है? ये आई हमने फाइंड कर लिया 60 है. अब मेरा ऑब्जेक्टिव है आर फाइंड आउट करने का, यहाँ से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आर आएगी वो कितनी आएगी, हमें ये फाइंड करनी है. अब स्नेस लॉ लगा लेते हैं, स्नेस लॉ लगाएंगे अगर तो रूट टू इंटू साइन आई मतलब साइन 60 दैट शुड बी इक्वल टू रूट थ्री इंटू साइन आर. चेक करो तो आर कितनी आ रही है, आर कितनी आ रही है? 45 डिग्री आ रही है क्या? हाँ सर, राइट, आर 45 डिग्री हो गई है. इस वाला 45 डिग्री पे ये रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल गया, ठीक है? तो अब ये रिफ्रैक्टेड रे जो है, इस रिफ्रैक्टेड रे को मान लेते हैं हम लोग आर कह रहे हैं, ठीक है? ये आर से इंडिकेट कर रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे के लिए, इंसिडेंट रे के लिए जैसे कैपिटल आई लिखा हुआ है वैसे रिफ्रैक्टेड रे के लिए हम आर लिख लेते हैं, और ये यूनिट वेक्टर हम कह रहे हैं, ठीक है? दिस इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसको मतलब हम आर कैप से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है? आर कैप से इंडिकेट कर सकते हैं. इस आर कैप के भी अगर आप देखोगे तो दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, राधा इसको आर कैप कह लेते हैं. इस आर कैप के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एक है वर्टिकल कॉम्पोनेंट
और एक है हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। ये देखो ये है आर पैरेलल और ये है आर परपेंडिकुलर। आर पैरेलल और आई पैरेलल का डायरेक्शन सेम हुआ क्या? आई आर पैरेलल और आई पैरेलल का डायरेक्शन सेम हुआ क्योंकि सेम प्लेन में लाई करते हैं राइट। स्नेल्स लॉ का पहला लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई अलोंग द सेम प्लेन। तो इसीलिए हमें ये पता चल रहा है कि रिफ्रैक्टेड रे का प्लेन और इंसिडेंट रे का प्लेन अगर सेम होना है तो आर पैरेलल को आई पैरेलल के लाइन में वैन लाना ही रहना पड़ेगा। समझ आ रही है आपको? आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो आर पैरेलल का मैग्नीट्यूड कितना है ये तो आपको पता है। मैग्नीट्यूड कितना है? 1/√2 है ना राइट। 1/√2 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आर को हमने यूनिट वेक्टर लिया है। देखो आर कैप लिखा है ना मैंने राइट। तो उसका कॉम्पोनेंट कितना आएगा? कॉस 45 राइट। ये एंगल कितनी आई है? आर 45 आई है तो ऑब्वियसली ये भी कितनी है? 45 ही तो है ना। तो 1 × cos 45 तो 1/√2 बना। सिमिलर तरीके से आर परपेंडिकुलर भी कितना बनेगा? 1/√2 बनेगा। समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो अब अगर हमें जो रिफ्रैक्टेड रे लिखना था, ये जो आर कैप लिखना था, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे आपको फाइंड आउट करना था, तो आर कैप को कैसे लिखोगे? सो आर कैप विल बी रिटन एज आर पैरेलल इनटू आई पैरेलल कैप एंड प्लस आर परपेंडिकुलर इनटू आई परपेंडिकुलर कैप। देखो आप नोटेशन समझ आ रहा है नहीं आपको? कैप मतलब यूनिट वेक्टर राइट। कैप मतलब यूनिट वेक्टर ठीक है। तो अब आपके पास आई पैरेलल का कैप कौन सा है? ये देखो आई पैरेलल कौन सा था? 6√3 आई कैप एंड 8√3 जे कैप, वो आई पैरेलल था। तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? अगर आई पैरेलल का कैप फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे? आई पैरेलल वेक्टर जो है उसको आई पैरेलल के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ रहा है? 6√3 आई कैप प्लस 8√3 जे कैप एंड डिवाइडेड बाई दिस विल बी 10√3। तो कितनी आ रही है? रूट थ्री तो कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 आई कैप एंड 4/5 जे कैप। दैट्स इट। सो दिस बिकम्स 1/√2 में सब में कॉमन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे आ रही है आपके पास 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप एंड प्लस आई परपेंडिकुलर तो आपका माइनस के कैप है। सो माइनस ऑफ के कैप, इसमें ऐसे कर लेते माइनस ऑफ के कैप, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। ये चेक कर लो। इसमें ऑब्वियसली आपको वेक्टर्स आपका अच्छा होना चाहिए तब आप ये चीज को समझ पाएंगे। वेक्टर्स अगर अच्छी नहीं है तो आपको तो मुश्किल है। देखो अगर कोई पार्ट में दिक्कत है तो बता दो, फिर से बता दूंगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। आपका वेक्टर जो फाइनल रिजल्ट है वो एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए। चेक करो तो यूनिट वेक्टर आ रहा है क्या? ये यूनिट वेक्टर आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका क्या होना चाहिए? 1 आना चाहिए। वो करोगे तो अपने आप दिख जाएगा आपको कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरी है बेसिकली, उसके बाद फिर उसके बेस इस पे बेसिस पे कुछ एक न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको, पहले थ्योरी पे थोड़ा ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्या करते हैं, एक मीडियम देते हैं और उस मीडियम में आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजिशन वेरी कराते हैं। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पोजीशन के साथ साथ आपका चेंज कर रहा होगा। जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका चेंज कर रहा होगा, मतलब ग्रेजुअली चेंज करेगा। मतलब ऐसा नहीं सडन चेंज है, ग्रेजुअली चेंज कर रहा है। और इसमें रे को किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन से आपका इंसिडेंट करा के उसके बाद इसका लोकस फाइंड करने के लिए बोलते हैं कि बताओ ये जो रे है ये किस लोकस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मतलब बेसिकली उसका ट्रेजेक्ट्री आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसमें दो तरह के सिचुएशंस आपको मिल सकते हैं। एक होगा कि जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया होगा, और दूसरा जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई दिया होगा। जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स देंगे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट अगर मैंने चेंज किया, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज किया, तब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। ये तो मतलब निकल रहा है ना राइट। देखो पहला वाला डायग्राम चेक करो, पहले वाला डायग्राम, उसमें देखो मैंने यू नो वर्टिकल करके ऐसे करके पतले पतले स्लैब्स बना रखे हैं। दिख रहा है आपको वर्टिकल स्लैब्स बना रखे? देखो यहाँ पे ये देखो ऐसे वर्टिकल स्लैब्स बना रखे, दिख रहा है आपको? हाँ सर। और वो क्यों बनाया? क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन के अलोंग आपको क्या मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्स्टेंट मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फंक्शन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट है। समझ आ रही है आपको? अब इसमें सपोजली आपको लोकस फाइंड आउट करना है, तो कैसे लोकस फाइंड आउट करोगे? आपको जो दिया होगा उसने वो ये दिया होगा कि इनिशियली जो ओरिजिन है वहां पे रे के लिए कितने एंगल पे वो इंटर कर रहा है, और वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओरिजिन का वो भी दिया होगा।
म्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है, मतलब एक्स की वैल्यू जब जीरो डाल दोगे तो म्यू आपको एज एट पोजीशन एक्स इक्वल टू जीरो आपको ऑटोमेटिकली वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो म्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो इज अ नोन क्वांटिटी, एंड जिस एंगल पे वो एंटर कर रहा है ओरिजिन पे ये भी आपको पता हो। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो थीटा नॉट जो मैंने मार्क किया वो एक्स एक्सिस के साथ मार्क किया है, एक्स एक्सिस के साथ आपका थीटा नॉट मार्क है, और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वही नॉर्मल टू द सर्फेस है। कैसे पता चल रहा है वो नॉर्मल टू सर्फेस है? क्योंकि आपको बताया ना मैंने स्लैब्स कैसे हैं, पैरेलल स्लैब्स ऐसे प्लेस्ड है राइट, ऐसे एक्स एक्सिस के। तो अगर स्लैब्स ऐसे प्लेस्ड है तो नॉर्मल कैसा होगा? ऐसे तो होगा ना, आपको बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं कि रे किसी भी एक आर्बिट्री लोकस पे मैंने उसको एंटर करा दिया है, तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे इसमें दिखा रखा है कि ये कोई भी एक आर्बिट्री लोकस लिया इसने, ये आर्बिट्री लोकस बनाया मैंने, इज एन आर्बिट्री लोकस, इस लोकस का ही आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या किया मैंने, एक आर्बिट्री पॉइंट कंसिडर कर रहा है इस लोकस में, देखो इस लोकस में एक आर्बिट्री पॉइंट है एक्स कॉमा वाई से मार्क किया है, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल देखो यहाँ पे टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है वो फाइंड किया, टेंजेंट के साथ ये नॉर्मल कितना एंगल फाइंड कर रहा बना रहा है, ये एंगल को हमने थीटा मार्क किया। हाँ बोलिए सर, यहाँ पे जो स्लैब्स आपने दिखा रखा है वो क्या बहुत ही थिन स्लैब्स है? नहीं नहीं, मतलब ये तो पतले पतले मोटे मोटे आप जैसा चाहो ड्रॉ करो, ये बेसिकली बस मैंने आपको ये बस इंडिकेट करने के लिए ड्रॉ किया है कि बेसिकली मीडियम आपकी इधर एक्स के फंक्शन में वेरी कर रही है, इसलिए नॉर्मल आपका एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, ये बस इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी अगर मैं उस पर्टिकुलर पोजिशन जहां पे मैंने कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई मार्क कर रखा है उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, एंड टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद वहां के जो उस पॉइंट एक्स पे नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है देखो उसके साथ एंगल हमने मार्क किया थीटा, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल उसका थीटा है ये एक्चुअली जो एंगल है ये किसके साथ एंगल हो गया? ये एंगल तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही हो गया ना, देखो तो चेक करो, दिख रही है आपको राइट? नॉर्मल के साथ जो रे एंटर बनाता है एंगल वो तो वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है ना, क्योंकि एयर से एंटर कर रहा था एंड देन फिर उस मीडियम में एंटर किया है, तो फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की तरह वो आपको दिख रहा है। तो इस केस में आप क्या करोगे, पहले स्नेल्स लॉ लगाओगे, स्नेल्स लॉ लगाया अगर आपने तो इक्वेशन क्या लिखोगे, म्यू नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन थीटा, यही लिखोगे आप इक्वेशन। तो यहां से अगर आप देखोगे तो म्यू एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ था, तो आपने साइन थीटा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लिया राइट, है नहीं है? यहां से आपको साइन थीटा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, म्यू नॉट साइन थीटा नॉट एंड डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, समझ आ रही है आपको? अब एक और चीज है जो आपको पता है और वो क्या है, tan थीटा इज dy by dx। अगर tan थीटा dy by dx है तो क्या हम tan थीटा को यहां से sin थीटा से फाइंड कर सकते थे क्या? अगर tan थीटा निकाले यहां से, tan थीटा निकाले तो कितनी हो जाएगी, sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते थे, म्यू नॉट sin थीटा नॉट डिवाइडेड बाय दिस विल बी रूट अंडर ऑफ f ऑफ x का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ म्यू नॉट sin थीटा नॉट एंड इसका स्क्वायर, कर सकते थे क्या ऐसा, कर सकते थे? हाँ। और इसको फिर क्या लिखते हम, dy by dx लिख लेते, और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता, वेरिएबल को सेपरेट एंड इंटीग्रेट, दैट्स इट। उसके बाद फिर वेरिएबल को सेपरेट किया यहाँ से, सो dx एंड इसके साथ tan theta का मल्टीप्लीकेशन कर लो tan theta dx एंड इसको इंटीग्रेट करो और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dy कर लो, तो क्या काम करता, ये जीरो से लेके y तक और ये जीरो से लेके x तक, tan theta का वैल्यू जो आपने निकाल रखा है उसको वहां पे फिट कर दो, आंसर आ जाएगा, समझ आई आपको, क्लियर है? सेम चीज देखो यहाँ पे कर रखा है इस डायग्राम में, देखो आप यहाँ पे सेम चीज देखो यहाँ पे, इस बार y के फंक्शन में आपका वेरिएशन है, अगर y के फंक्शन में वेरिएशन है मतलब ऐसे पैरेलल स्लैब्स की तरह मानो बहुत सारे पतले 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 पैरेलल स्लैब्स में डिवाइड कर दो, तो उस केस में आपको दिखेगा नॉर्मल जो होगा y एक्सिस के अलोंग आएगा, आएगा, और नॉर्मल अगर y एक्सिस के अलोंग आ रही है तो इसका मतलब है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हम बोलते हैं वो y एक्सिस के साथ लेना पड़ेगा। तो देखो उसको मैंने थीटा से मार्क कर रखा है, देखो वहां पे जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मैंने मार्क किया है वहां पे बेसिकली देखो एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और उस टेंजेंट का देखो वहां पे नॉर्मल के साथ एंगल कितना बन रहा है वो फाइंड किया, दिख रहा है? ठीक है, फिर से वही स्टेप है, ये स्टेप वही वापस से वही स्टेप आएगा कि यहाँ पे हमें पहला इक्वेशन लिखना है स्नेल्स लॉ का और वो इक्वेशन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा, तो यहां से फिर से आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, साइन थीटा इज कमिंग आउट ऑफ दी म्यू नॉट साइन थीटा नॉट एंड डिवाइडेड बाई दिस इज एफ ऑफ एक्स आ गई है। अब आपको ये पता है कि उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट भी ड्रॉ करते तो टेंजेंट को हम क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ, मतलब जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उस टेंजेंट का अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखोगे तो 90 माइनस थीटा है, इसका मतलब अगर टेन थीटा अगर फाइंड टेन ऑफ 90 माइनस थीटा फाइंड करते तो डीवाई बाई डी एक्स मिल जाता हमें राइट, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा वुड हैव बीन डीवाई बाई डी एक्स, तो हम यहाँ पे इस बार क्या करते हैं टेन थीटा को ऐसे लिखते हैं, नाउ
tan theta is, sorry, tan 90 minus theta. Tan 90 minus theta is equal to dy by dx लिख लेते हैं. एंड उसके बाद का सिर्फ वही है, यहाँ पे ये cot theta हो गया. एंड cot theta को आप कैसे लिख सकते हो, sin theta is again perpendicular by base. Sorry, perpendicular by hypotenuse, and you need base by hypotenuse. So base becomes root under base by perpendicular. So this becomes root under f of x ka square and minus of mu naught sin theta naught ka square and divided by base. हमें चाहिए base by perpendicular. So this will be mu naught sin theta naught. And accordingly, अब यहाँ से इसको आप dy by dx लिखोगे. एंड फिर वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट करोगे. सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ dx into cot of theta is equal to integration of dy. ये 0 से लेके y तक, ये 0 से लेके x तक आंसर होगा. आपको समझ आ गया स्ट्रेटजी? सर कुछ समझे, u का तो y से दिखा रहा है क्वेश्चन. क्यों y सुनिए, हां हां y y सॉरी y. ओहो ये उल्टा कर दिया मैंने लास्ट में, गलती x के साथ वेरिएशन था तो यहाँ पे भी आपका f of y होगा, y के साथ वेरिएशन था तो this will be f of y and यहाँ पे बस लास्ट स्टेप में हमें उल्टा करना है. इस बार y के साथ वेरिएशन था तो ये इक्वेशन हो जाएगा आपके पास dy divided by cot theta integration is equal to integration of dx. ये जीरो से लेके x था और ये जीरो से लेके y था. ठीक है भाई, ठीक है. अब ये तो थ्योरी है, अब इस पे बेस करके क्वेश्चन कर लेते हैं. ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन ही है. मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, अब देखो. अ स्लैब ऑफ थिकनेस a बाई टू इज शोन इन फिगर. स्लैब की थिकनेस आपको a बाई टू दी हुई है. डायग्राम देखो, आपको रेफर करूं समझ में आ जाएगा. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्लैब डिपेंड्स ऑन x एज म्यू इक्वल टू a म्यू नॉट बाई a माइनस x. x के वेरिएशन में दे रखा है, दिख रहा है आपको, x के फंक्शन में दिया है. मतलब हमें पैरेलल स्लैब्स कैसा चूज करना है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर, राइट, है ना. तो इस केस में आप क्या करोगे, रे को अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, अगर इमेजिन करते हैं यहां से रे ऐसा कुछ जा रहा होगा, ऐसा बेंड होके कुछ निकला होगा, अगर वो ऐसा मान लेते हैं कि हमारा ये रे मान लेते हैं कि ऐसा एंटर कर गया, ठीक है. अब इसमें कोई भी एक आर्बिट्री पोजीशन कंसीडर करो. देखो मैं स्ट्रेटजी आपको एकदम ऑलरेडी सिखा चुका हूं, देखो उसी को मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है. कोई रिजल्ट्स रटना नहीं है, बस तरीका ध्यान रखना है कि कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट कंसीडर किया, आपको ये पता चल रहा है कि एक्स के साथ वेरिएशन है, तो मैंने यू नो ये लाइन ड्रॉ किया है ये इंटरफेस को इंडिकेट करने के लिए. इस इंटरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये देखो ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. फिर यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, सॉरी यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और ये टेंजेंट का एंगल यहाँ के साथ जो दिख रहा है हमें, इस एंगल को हमने थीटा मार्क कर लिया, ठीक है. अब इक्वेशन लिखना लिखेंगे यहाँ पे हमें, पहला तो देखो लोकस ही उसने पूछा है, तो लोकस फाइंड करना है, तो लोकस से ही स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. तो पहला चीज तो है कि टेन थीटा विल बी रिटन एज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है. अब दूसरा चीज है आप स्नेल्स लॉ यूज करेंगे. आप डायग्राम में देखो यहाँ पे, अगर ओरिजिन की बात करूं, ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो, x की वैल्यू अगर जीरो डाल दोगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट आ रही है, दिख रहा है, दिख रही है. पुटिंग x इक्वल टू जीरो, पुटिंग x इक्वल टू जीरो गिव्स म्यू इक्वल टू म्यू नॉट एट ओरिजिन, ठीक है. एंड अब हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे. और थीटा नॉट देखो ये पाई बाई टू दिया हुआ है, देखो यहाँ पे डेटा देख लो. तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि म्यू नॉट इंटू साइन ऑफ पाई बाई टू, आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जा रही है. साइन थीटा इज कमिंग आउट टू बी ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए आर, ये आपका साइन थीटा का वैल्यू मिल गया है.
so therefore tan theta ki value aap find kar sakte hain. Tan theta will be perpendicular by, I put perpendicular by base, so this will be a minus x divided by root under of a square minus of a minus x ka whole square, and this will be equal to dy by dx. देख लो एक बार करेक्ट है क्या. ठीक है answer. अब ये इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है. देखो यहाँ से दिस इज ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई. इसको टू से मल्टीप्लाई कर ले और टू से डिवाइड कर दे और अब इसको इंटीग्रेट कर ले. इसका इंटीग्रेशन का लिमिट जीरो से लेके एक्स तक और इसका इंटीग्रेशन का लिमिट जीरो से लेके वाई तक. क्या आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन क्या आने वाला है इसका. यहाँ पे मैंने एक्चुअली क्या किया है, मैंने ये मान लेते हैं अगर अगर आप ये चूज कर ले तो लेट अस से कि ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज जेड, सो देयरफॉर माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ ए माइनस एक्स साइन इनवर्स का इनटू माइनस एक्स इज इक्वल टू डी जेड आ रही है. दिख रही है आपको, दिख रही है आपको. यस सर, चेक करो. अच्छा माइनस वन होगा, ये क्या लिखा है, ये डी एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा माइनस डी एक्स. चेक करो एक बार. तो यहां से आपको ये मिल जा रहा है कि बेसिकली टू टाइम्स ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू डी जेड. तो इसका मतलब ये इक्वेशन बेसिकली आपकी सिंपली इंटीग्रेशन जो बन रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी हाफ ऑफ, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, मतलब ये हो जाएगा रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ आ जाना है. एंड फिर इसके लिमिट्स बिठाएंगे, लिमिट्स आ जाएगा जीरो से लेके एक्स तक और ये आपका वाई आ जाएगा. देखो आपको समझ आ गई है. ठीक है, साइन इनवर्स कहाँ से आ रहा है लड़के तुम्हारा. सर ऊपर है कि माइनस एक्स है वो हमें. क्या फिर से बोलो एक बार. सर ऊपर एक टू इंटू ए माइनस एक्स वाला है ना वो. मैंने सोचा कि वो अगर नहीं होता, वो अगर नहीं होता तब साइन इनवर्स वाला. हाँ हाँ, तो फिर वो तो है, फिर साइन इनवर्स कहाँ से आएगा. तुम तो मैथ्स में अच्छा है, फिर ये मैथ्स का ऐसा घटिया गोल गोल कैसे कर रहे हो. अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x सब्स्टिट्यूट करे तो यही रह जाएगा, दिस इज रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस एक्स का स्क्वायर. एंड जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्लस सॉरी माइनस ये a आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू y. सो देयरफॉर इक्वेशन जो बन रहा है हमारे पास वो हो रहा है x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y प्लस ए का स्क्वायर. सर एक मिनट, एक मिनट, गलत कर दिया. गलत किया है बेटा, एक मिनट, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा था. हाँ लिमिट क्या बोल रहे थे आप. अच्छा थिकनेस ए बाई टू था ना. ओहो नहीं नहीं, मुझे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, लोकस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, एक जनरल पोजीशन को कंसीडर करना है. तो जीरो से लेके एक्स तक ही कंसीडर करेंगे. हाँ जब आपको ये फाइंड करना पड़ता है कि आप बताओ कितने वाई का डेविएशन कितना हुआ है जब वो स्लैब से बाहर निकला है, तब आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को ए बाई टू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. समझ आ रही है आपको. ठीक है, अभी तो आप लोकस फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो उसकी जरूरत नहीं है. लोकस में निकालने के लिए आपको थोड़ी ना एक्स की पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, आपको जनरलाइज एक्स में निकालना है. मैंने लोअर लिमिट एक्चुअली गलत डाल दिया था, अभी वहां पे सब्स्टिट्यूट ठीक कर रहा हूँ. तो यहाँ पे माइनस ऑफ अगर जीरो डाल दे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये आपका जीरो ही हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू वाई आ रहा है. ठीक है भाई, सो यहाँ से आ रही है आपके पास एक्स माइनस ए का स्क्वायर, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. देखो तो यही आ रहा है क्या. हाँ सर आ रहा है क्या, ये चेक करो क्या आप ये इक्वेशन को पहचानते हैं क्या, क्या है किसका लोकस है. हाँ सर सर्कल का. सर्कल सेंटर्ड वे, सेंटर्ड ए कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो एंड रेडियस ए, रेडियस ए, रेडियस ए, दैट्स इट. सो ये आपको लोकस मिल गया है. ठीक है, सो दिस इज द डिजायर्ड लोकस ऑफ द रे का, जो लोकस है एक सर्कल है सेंटर्ड एट ए कॉमा जीरो एंड रेडियस ए है. ठीक है, तो ये डायग्राम हमने फाइंड आउट कर लिया है. अब उसने पूछा है डेविएशन ऑफ द रे टिल द रे एग्जिट्स आउट ऑफ द स्लैब. ओके एक बार मैं वो वाला पोर्शन को भी एक बार ड्रॉ करता हूं.
ये देखो, ये हमारी x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस थी, एंड रे हमारा जो रे मीडियम के अंदर गया था वो कुछ ऐसा गया था, ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करके गया था, एंड इसके सरफेस पे यहाँ पे भी अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते तो सर्कल के सेंटर पे मीट करता। क्या ये सर्कल का सेंटर होता, चेक करो एक बार, बताओ मुझे होता क्या? हाँ सर। ठीक है, अभी चेक करो यहाँ पे, ये वाली डिस्टेंस आपको दी हुई थी उसने a बाई टू थी, एंड आपने ये फाइंड कर रखा है कि रेडियस ऑफ सर्कल इज a, और ये डिस्टेंस भी ऑब्वियसली आपका a बाई टू होगा, क्यों? क्योंकि रेडियस तो खुद ही a है ना, सो r माइनस a इज a बाई टू, रादर r माइनस a बाई टू विल एक्चुअली बी इक्वल टू a बाई टू ओनली। तो ये एंगल आपको देखो तो पता चल गया क्या, ये जो डेविएशन है डेल्टा अगर लिख रहे हैं तो क्या ये 60 डिग्री हुई है क्या? चेक करो एक बार, cos डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, हाफ आ रही है क्या, आ रही है क्या cos डेल्टा की वैल्यू हाफ? अरे बोल तो दो, cos डेल्टा की वैल्यू क्या हाफ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ सर, हाँ हाँ सर आ रही है। बेस बाय हैबिटनेस करना नहीं आ रहा है क्या, फिर क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? So, ये आपको पता चल गया कि डेविएशन आपकी 60 डिग्री हो गई, ये भी पूछा था उसने। ठीक है, अब बोलोगे सर डेविएशन तो रे का हो रहा है, आपने नॉर्मल का क्यों फाइंड किया है? क्योंकि जितने एंगल से आपका टेंजेंट डेविएट करेगा उतने एंगल से तो नॉर्मल ही डेविएट करेगा ना, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल ये तो हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है ना, समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो देखो पहले नॉर्मल ऐसा था, पहले नॉर्मल वर्टिकल था, पहले याद है 90 डिग्री पे एंटर किया था, तो नॉर्मल पहले वर्टिकल था एंड टेंजेंट हॉरिजॉन्टल, मींस जो रेडियस वाला लाइन है, रेडियस वाला लाइन जो नॉर्मल है एंड जो टेंजेंट है वो ऐसा है, और जब आपका ये ऐसा टर्न कर गया है, ऐसा टर्न कर गया है, हिंज्ड रहते हैं सब, ठीक है, बिल्कुल हिंज्ड रॉड की तरह ही बेसिकली दिख रहा है, तो जितना एंगल डेविएशन आएगा वो सबका सेम ही आएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये चीज आपने फाइंड आउट कर लिया, तो दो सेकंड पार्ट हो गया हमारा ऑलरेडी, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी तीसरे पार्ट पे, लोकस ऑफ द रे आफ्टर द स्लैब, स्लैब जब से जब ये बाहर निकल गया तब का लोकस क्या होगा? जब ये स्लैब से बाहर निकल चुका है तब मीडियम कौन सा हो चुका होगा वापस से? अगर एक्स की वैल्यू ए बाई टू डाल दें, x की वैल्यू a बाई टू डाल दो, अगर a बाई टू डालोगे देखो म्यू की वैल्यू वापस से म्यू नॉट हो जा रही है, दिख रही है आपको? दिख रही है आपको? अगर आप x की वैल्यू a बाई टू डाल दोगे तो म्यू की वैल्यू म्यू नॉट हो जा रही है, इसका मतलब जो यहाँ का मीडियम है वही यहाँ का मीडियम है, राइट है ना? हाँ सर। तो यहाँ पे रे अगर थीटा नॉट पे एंटर किया था तो यहाँ पे क्या करेगा, थीटा नॉट पे बाहर निकल जाएगा ना, समझ आ रही है? अरे उल्टा मार कर गया, नॉर्मल तो इधर है, ये थीटा नॉट पे बाहर निकल जाएगा, समझ आ रही है? म्यू हो रहा है क्या, क्या क्या सर? म्यू अगर x की वैल्यू a by 2 हम डालते हैं तो वो तो 2 म्यू नॉट हो रहा है, x की वैल्यू, अच्छा अच्छा 2 म्यू नॉट हो रहा है, x की वैल्यू a by 2 डाला, a minus a by 2 एंड a, हां a minus, हां 2 म्यू, अच्छा अच्छा ठीक है नहीं ठीक है ठीक है, अच्छा नहीं गलत मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया वहां पे, अगर x की वैल्यू आप a बाई टू डालोगे तो फिर उस केस में ये 2 म्यू नॉट आ रहा है, सही कह रहे हैं, बट सपोजली मैं कह रहा हूँ, अच्छा एक काम करते हैं, पहले मान लेते हैं कि चलो सपोजली मान लेते हैं कि म्यू नॉट ही आ रहा होता, ठीक है, मतलब म्यू नॉट ही आ रहा होता, तो अगर ये म्यू नॉट आ रहा होता तो जितने एंगल पे ये एंटर किया था नॉर्मल के साथ, यहाँ पे भी नॉर्मल के साथ क्या होता, उतने एंगल पे ही ये बाहर भी निकल जाता, तो यहाँ पे 60 डिग्री पे ही बाहर निकलता, ये समझ आ रही है आपको? ठीक है, उसके बाद फिर इस लाइन का आपको लोकस फाइंड आउट करना पड़ता, ठीक है, तो ये लाइन का लोकस आप फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो उसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको, या तो स्लोप, मतलब एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट, राइट, स्लोप और एक इंटरसेप्ट, y मतलब y माइनस y1 इक्वल टू m इनटू x माइनस x1 वो कर सकते थे, राइट है ना, तो वो आराम से यहां से निकाल जाता है, हाँ, बट यहां पे अभी फिलहाल के लिए वो 2 भी नॉट आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहां पे चेक करो, अभी यहां पे इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए कर रहे हैं, एट x इक्वल टू a बाय 2 म्यू की वैल्यू आ रही है 2 म्यू नॉट, अब स्नेल्स लॉ लगाएं तो स्नेल्स लॉ इज म्यू नॉट इनटू साइन ऑफ पाई बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 2 म्यू नॉट इनटू साइन ऑफ थीटा, तो यहां से आपको साइन थीटा की वैल्यू हाफ मिल रही है, मतलब थीटा आपकी आ रही है 30 डिग्री आ रही है ना, 30 आ रही है, हां सर, इसका मतलब ये रे जब यहां से निकलेगा, यहां से जब ये निकलेगा तो कुछ ऐसा होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये एंगल 60 अगर है, मतलब डेल्टा तो 60 था, तो ऑब्वियसली ये भी डेल्टा होगा विच इज 60,
और ये एंगल हमारा थीटा है जो कि आपका 30 है, राइट, है ना, यही है ना। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये जो फाइनल रे जो हमने इमर्ज करता हुआ दिखाया है वो एक्चुअली उस सर्कल का क्या टेंजेंट ही है ही नहीं है, सर्कल के टेंजेंट का ही इक्वेशन आप फाइंड आउट कर रहे हैं। और ये टेंजेंट का इक्वेशन तो आप आराम से निकाल सकते हैं, आपको स्लोप ऑलरेडी पता है और जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है, कितना है वो आर कॉस, ये एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको पता है ऑलरेडी a बाई टू है, एंड ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ये भी आपको देखो पता चल चुका है, ये कितनी है आर साइन 60, मतलब आर इंटू रूट 3 बाई टू। सो देयरफॉर अपना लोकस जो होगा, देयरफॉर लोकस ऑफ इमर्जेंट रे अगर लिखनी है, लोकस ऑफ इमर्जेंट रे is y minus y1 which is r into root 3 by 2, r आपका a है, ठीक है, तो a into root 3 by 2 y minus y1 is equal to m which is tan of 30 into x minus of x1 which is a by 2, ये आपका final answer हो जाएगा। clear है सभी को, देख लो clear है या नहीं। हाँ सर, ठीक है, फिश इज फ्लोटिंग इन एट द मिडल ऑफ द बीकर, इट इज ऑब्जर्व्ड नियर नॉर्मली बाय एन ऑब्जर्वर लोकेटेड एट अ हाइट एच अबव द सर्फेस ऑफ द लिक्विड where the depth of the liquid is also h. Find the separation between images of fish as observed by observer, observer as observed by fish. मतलब दो केस आपको कंसिडर करना है एंड उसके अकॉर्डिंगली रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ का कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो पहला वाला पार्ट पहले कर रहे हैं, फिश एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर है, से मतलब कि ऑब्जर्वर और फिश के इमेज का डिस्टेंस निकालना है। नहीं, क्वेश्चन का ध्यान से लैंग्वेज पढ़ो तो लास्ट टाइम का, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन इमेजेस ऑफ फिश एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, इसका क्या मतलब है, ऑब्जर्वर को दो इमेजेस दिख रहे हैं और दो इमेजेस के बीच का सेपरेशन आपको फाइंड करना है। हाँ, दो इमेजेस, हाँ ठीक, ये लिक्विड आपका फील्ड है, यहाँ पे यहाँ तक लिक्विड फील्ड है और यहाँ पे मान लेते हैं हमारा फिश है, ठीक है, एफ लिखा है वो फिश के लिए, एंड यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है। हमें जो डेटा दे रखे हैं, ये कंटेनर में लिक्विड का जो टोटल डेप्थ है वो h है एंड ऑब्जर्वर का डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ये भी h है, ये डिस्टेंस भी आपको h दे रखी है, ठीक है, एंड फिश इज इन द मिडल ऑफ द कंटेनर, बीच में ये h बाई टू पे, और ये जो बॉटम है ये आपका सिल्वर्ड है, ठीक है। अब पहला वाला पार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वर ही बेसिकली फिश को देख रहा है, तो ऑब्जर्वर अगर फिश को देख रहा है तो उसके दो इमेजेस कहां से बन रहे हैं, देखो एक तो डायरेक्ट इमेज होगा, डायरेक्ट इमेज मतलब जब वो डायरेक्टली मिरर में नहीं देख के आप फिश को डायरेक्टली देख रहे हो, तो फिश को अगर डायरेक्टली देखोगे तो एक इमेज मिलेगा ही वहां पे, राइट, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट रे की बात करेंगे, एक मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ पहले इन दोनों के लिए, ये नॉर्मल ड्रॉ किया मैंने एंड अब मैं यहां से एक रे ले रहा हूं, सो वन रे इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द फिश एंड यहां से इस रे को अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कराएंगे, ये रे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर रहा है और ये बाहर निकल गया। इस रे को अगर आप बैक ट्रेस करोगे तो यहाँ पे एक फिश का इमेज मिलेगा, ये आपका पहला इमेज है, समझ आ रही है आपको, समझ आ रही है आपको, हाँ सर, ये आपकी F1 हो गई है, ठीक है, इसको F1 लिख देते हैं, जस्ट इंडिकेट की पहली इमेज बनी है, तो ये वाली डिस्टेंस आपको पता है ना कितनी आएगी,
what will this distance be? H by 2 mu. जब डिस्टेंस घट जाता है तो डिवाइड बाय म्यू कर देते हैं, रिमेंबर? ठीक है, अब एक और इमेज कहां से बनेगा? रिफ्लेक्शन के थ्रू बनेगा। अब क्या होगा, यहां से एक रे जो है, अगर आपने मिरर में लिया तो मिरर में रिफ्लेक्शन जब होगी तो फिर रे क्या होगा, एग्जैक्टली सिंस ये प्लेन मिरर है तो जितने दूर पे ऑब्जेक्ट है उतने दूर पे इमेज भी बना देगा ना, बनाएगा। तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से यहाँ पे एक इमेज बन गई है, बट क्या ये रे अभी तक बाहर निकला है क्या पानी से? पानी से बाहर नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। तो ये रे जब निकला ही नहीं अभी बाहर, तो फिर अभी तक तो ये इमेज फॉर्म नहीं किया है, ठीक है, इमेज फॉर्म नहीं किया अभी तक, ये इमेज ऑब्जर्वर को नहीं दिखेगा क्योंकि ऑब्जर्वर जो है वो बाहर में है। तो अब इसके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो कौन हो गया, यहाँ पे एक फिश का इमेज देखो बन रहा है, ये वाला इमेज बन रहा है, ये फाइनल इमेज नहीं है, बट ये इमेज है रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट के, ये इमेज जो है ये रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे रियल डेप्थ कितना दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस आपका h by 2 होगा, क्योंकि जितने दूर पे ऑब्जेक्ट है वो आपका इमेज भी उतने दूर पे होगा, तो ये अगर h by 2 है तो ये भी आपका h by 2 होगा। तो अब रियल डेप्थ के लिए कितना डिस्टेंस आपको दिख रहा है, व्हाट इज द रियल डेप्थ, 3h by 2 दिख रहा है आपको, रियल डेप्थ 3h by 2 दिख रहा है आपको, रियल डेप्थ 3h by 2 सर। हाँ बोलिए मयूर। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से ये रे क्या होगा, अब रिफ्रैक्ट करके बाहर निकल जाएगा, देखो अब ये रे को हमने क्या किया, यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब जब ये रे बाहर निकला, इसको आप बैक ट्रेस करो, इसको आप बैक ट्रेस करो, तो जहां पे भी इमेज बन रही है वही आपकी फाइनल इमेज अब आपकी ये हो जाएगी, दिस इज एफ टू। और अब बाय कंडीशन ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए रियल डेप्थ बाय म्यू होना चाहिए, तो रियल डेप्थ उसका था 3h by 2, तो होना चाहिए 3h by 2 म्यू होना चाहिए। अब F1 F2 के बीच का सेपरेशन उसने पूछा था, तो रिक्वायर्ड सेपरेशन कितना हुआ, व्हाट इज द रिक्वायर्ड सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन F1 एंड F2, ये आपको फाइंड करनी थी, तो कितनी हो गई, 3h by 2 म्यू माइनस h by 2 म्यू एंड दैट बिकम्स h by म्यू आ रही है। क्लियर है, देखो एक बार चेक कर लो सर, क्लियर है ना सभी को? हाँ सर, ठीक है। yes. अभी सेकंड वाले पार्ट करते हैं, ठीक है, नाउ वी विल डू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फिश को इंसान को देखना है, ठीक है, फिश इंसान को देखेगा, ये चीज का ध्यान रखना है। फिर से सेम तरीके से एक होगा डायरेक्ट विजन के लिए, मतलब एक बार डायरेक्टली देखेगा तब क्या दिखेगा, एंड दूसरी बार रिफ्लेक्शन के थ्रू देखेगा तब क्या दिखेगा, ये दो केसेस आपको कंसिडर करने थे। ठीक है, अभी देखो, सो अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार ऑब्जर्वर से डायरेक्ट रे लेंगे, देखो मैं डायरेक्ट रे ले रहा हूं पहले ऑब्जर्वर से, तो ये रे आपको पता है ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा, तो टुवर्ड्स नॉर्मल अगर बेंड कराएंगे तो ये इधर से ऐसे जाएगा, ये रे बेंड कराया मैंने टुवर्ड्स नॉर्मल, इसी को अगर आप पीछे ट्रेस करोगे तो यहाँ पे एक इमेज बन जाएगा, ये देखो ये देखो ये आपकी पहली इमेज बन गई, सो दिस इज आई वन लिख देते हैं या ओ वन लिख देते हैं, चलो ओ वन, ठीक है, यही आपका पहला इमेज बन गया है। अब ये इमेज सिंस दूर चला गया है, आपको पता है रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ के कंसेप्ट से, जो अगर रियल डेप्थ आपका अगर एच है तो एपरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, यहाँ पे म्यू एच हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है ना, राइट, करेक्ट है सर, ठीक है। तो पहली इमेज तो आपको दिख गई, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इमेज दैट द फिश सीज, मतलब डायरेक्टली ऊपर से देख रहे हैं ऐसे तो उसको ये दिख जाएगा, बट यही वाली रे जो अब हम इसके अंदर भेज रहे हैं, यही वाली रे जो इसके अंदर भेज रहे हैं, अब ये रे का रिफ्लेक्शन भी तो होगा ना, होगा नहीं रिफ्लेक्शन, अब ये रिफ्लेक्शन में क्या करेगा, कहां पे इमेज फॉर्म करेगा, जितने दूर पे क्या है ऑब्जेक्ट है ना, है ही नहीं है, राइट तो इस रे को अगर आप बैक ट्रेस करोगे, इस रे को अगर आप बैक ट्रेस करोगे
ये देखो दिख रही है आपको, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था देखो, तो म्यू एच प्लस एच था ना, था ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस म्यू एच प्लस एच था सर। तो इमेज डिस्टेंस भी कितना होगा, म्यू एच प्लस एच होगा ना, तो यहां पे बेसिकली अब क्या होगा, उसको दूसरा इमेज दिखेगा यहां पे, दिस विल बी ओ टू नाउ, और ये डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया है, दिस डिस्टेंस इज म्यू एच प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। अब हमें O1 और O2 के बीच का सेपरेशन फाइंड करना था, तो सेपरेशन कितना हो जाएगा, O1 और O2 के बीच का सेपरेशन ट्वाइस ऑफ म्यू एच प्लस एच, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। सो सेपरेशन बिटवीन O1 एंड O2 बिकम्स, सेपरेशन बिटवीन O1 एंड O2 इज twice of mu h plus h, that is the answer. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा सा फ्लूइड का कांसेप्ट मैंने मिक्स कर दिया है, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ में फ्लूइड का भी कांसेप्ट लगा दे रहे हैं यहाँ पे क्या किया हमने, जैसे एक बर्ड है उसको b से इंडिकेट कर रखा है, वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है 24 मीटर पर सेकंड से, एक फिश है उसको F से मार्क किया है वो 48 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड 500 मीटर तक दे रखा है, एंड उसका कंटेनर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, उस कंटेनर के नीचे बेस में एक छोटा सा होल कर दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, छोटा सा कैसे पता चल रहा है, क्योंकि 50 के कंपैरिजन में 1 है, दैट इज अ वेरी स्मॉल डेटा, ठीक है, तो इसलिए बहुत ही छोटा सा होल है, और आपको पता है कि अगर ऑरिफिस छोटा सा क्रिएट करते हैं तो टॉरिसेलिस थ्योरम से आपने ये फाइंड आउट किया है कि जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होता है वो रूट अंडर 2gh होता है, क्या आपको ये पता है, क्या आपको पता है ये चीज, हाँ। तो यहाँ पे जो लिक्विड फ्लो आउट कर रहा है, यहाँ से जो लिक्विड फ्लो आउट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहते हैं इसको, सो दिस इज बेसिकली रूट अंडर 2gh, ये टॉरिसेलिस थ्योरम से आपने पढ़ा है फ्लूइड में, तो इस डेटा को मैं यूज कर रहा हूँ, दिस इज रूट अंडर 2g इनटू h, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो दिस विल बी रूट अंडर 2 इनटू g व्हिच इज 10 and height which is 500 meters. So ये आ रही है, actually आ रही है ये 2 5 10 100 meter per second आ रही है, दिख रही है आपको, इससे अब आप सर्फेस का वेलोसिटी कितना होगा आप ये फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सर्फेस अगर लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ सर्फेस के लिए vs लिख रहे हैं, तो ये वेलोसिटी कैसे कितना होगा कैसे निकालेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करके, a1 v1 should be equal to a2 v2, जिस वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो से सर्फेस का लेवल नीचे आ रहा है उसी वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो से क्या होगा, लिक्विड को बाहर निकलना पड़ेगा, तो इसीलिए आप कंटिन्यूटी इक्वेशन से आप ये फाइंड आउट कर सकते थे कि एरिया 50 इनटू वेलोसिटी ऑफ सरफेस शुड बी इक्वल टू 1 इनटू वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स व्हिच इज 100 मीटर पर सेकंड, सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सरफेस आपको मिल गया, दिस इज 2 मीटर पर सेकंड आ गई है, ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ सरफेस इज 2 मीटर पर सेकंड। नाउ यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, आपको फिश का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड फाइंड आउट करनी है, आपको अगर याद हो तो मैंने ऐसा एक क्वेश्चन क्लास में कराया था, बट उसमें मैंने जो सरफेस ऑफ लिक्विड है उसको मूव नहीं कराया था, मैंने सरफेस से ही एक डिस्टेंसेस मान लिया था, अगर आपको याद हो तो सरफेस से मैंने बर्ड का डिस्टेंस मान लिया था, सरफेस से मैंने फिश का डिस्टेंसेस मान लिया था, एंड ये एक्स और वाई डेटा चूज किए थे, एंड इसके अकॉर्डिंग मैंने अपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ का कंसेप्ट को यूज करके पोजिशन फाइंड किया एंड फिर पोजिशन को डिफ्रेंशिएट कर दिया। यहाँ पे आप सेपरेशन को सर्फेस से नहीं चूज करो, वो क्यों नहीं चूज करें, क्योंकि सर्फेस खुद ही मूवेबल पॉइंट है, तो इसीलिए उसको वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, मीडियम सेम है क्या फिश और बर्ड का, नहीं सर दोनों डिफरेंट मीडियम में है, और फिर भी हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, नहीं मतलब अगर हम सरफेस को सरफेस को अगर हम मूवेबल नहीं माने, मतलब उल्टी तरफ एक वीएस लगा दे तो बर्ड का तो 24 मीटर पर सेकंड से वीएस एक माइनस चला जाए, मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा रिवर्ट एंड ऐड करेंगे तो, हाँ और
ओ नहीं 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 फिश के लिए तो नहीं होगा आपको एनीवेज आपको रिलेटिव के सिंस फिश एंड बर्ड दोनों डिफरेंट मीडियम में हैं तो आप रिलेटिव डायरेक्टली ऐसे कर ही नहीं सकते ये नहीं कर सकते आप आपको वो पैरामीटर्स चूज करके ही करना पड़ेगा तो हमने क्या किया यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं फिश एंड बर्ड एंड सरफेस इन तीनों का डिस्टेंसेस कंटेनर के बेस से मान लेते हैं देखो कंटेनर का बेस तो फिक्स है ना है नहीं फिक्स्ड हमेशा डिस्टेंसेस आप एक फिक्स पॉइंट से चूज करो तो कन्वीनियंट होगा मैं कंटेनर से फिश का बेस से फिश का डिस्टेंस सरफेस का डिस्टेंस एंड बर्ड का डिस्टेंस इन तीनों के लिए एक एक वेरिएबल चूज करूंगा देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस को मान लेते हैं लेट अस से दिस डिस्टेंस इज इसको एफ मान लेते हैं इस डिस्टेंस को मैं सरफेस के लिए एस चूज कर लेता हूँ और इस डिस्टेंस को मैं बर्ड के लिए बी चूज कर लेता हूँ ठीक है तो अब अगर मैं पूछू आपको पोजिशन ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश कितनी होगी इसको आर बी एफ कह रहे हैं ठीक है मतलब आप फिश में बैठ के आप बर्ड को देख रहे हो तो क्या दिखेगा आपको रियल डेथ एंड अपरेंट डेथ का कंसेप्ट लगाइए तो ये डिस्टेंस तो आपको पता है फिश का सरफेस से डिस्टेंस जो है वो आपका एस माइनस एफ है तो वो तो रह जाएगा एस माइनस एफ एंड प्लस जो बर्ड है वो एयर में है और आप डेंसर मीडियम में हो जब आप डेंसर मीडियम में होते हो और ऑब्जेक्ट रेरर मीडियम में है तो आपको दूर दिखता है तो उसका रियल डेप्थ कितना है बी माइनस एस है तो बी माइनस एस के साथ आपको क्या करना पड़ेगा म्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा करेक्ट है ठीक है ठीक है अब इसी को रीअरेंज करें इसको लिख सकते हैं हम यहां से एस कॉमन ले लें तो वन माइनस ऑफ म्यू एंड प्लस बी म्यू बी एंड माइनस ऑफ F, ये आ रही है आपकी पोजीशन ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश आ रही है सो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश चाहिए तो आप क्या करेंगे पोजीशन को डिफरेंशिएट कर दो एंड इसको डिफरेंशिएट किया तो एक्चुअली आपके पास 1 माइनस ऑफ म्यू इनटू पोजीशन का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन एक सिंगल डेरिवेटिव को एक सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है सिंगल डेरिवेटिव को एक सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं पता है आपको नहीं सर नहीं पता है मतलब जैसे अगर आप अगर सपोजली हम x लिख रहे हैं तो x का डेरिवेटिव dx by dt होगा तो dx by dt को हम क्या करते हैं इसको सिंपली x डॉट रिप्रेजेंट कर सकते हैं समझ आ रही क्या कह रहा हूँ अगर d2x by dt2 होगा d2x by dt2 लिख रहे हो तो इसको आप x डबल डॉट लिख सकते हो ये जस्ट लिखने का मतलब एक तरीका है स्टैंडर्ड नोटेशन ही है जो भी मैथ्स पढ़ते हैं उनको समझ आ जाएगा मतलब मैथ्स फिजिक्स ऑब्वियसली जो भी पढ़ते हैं उनको समझ आ जाएगा स्टैंडर्ड नोटेशन है ये खुद का बनाया हुआ नहीं है ये स्टैंडर्ड नोटेशन है मतलब इससे थोड़ा सा लिखने का काम थोड़ा कम करना पड़ता है समझ आ रही है तो अभी मैंने जो डॉट्स लगाया आपको समझ आ रहा है क्या है वो yes. समझ आ रही है yes, वो टाइम डेरिवेटिव है पोजीशन एस का पोजीशन बी का एंड पोजीशन एफ का अब देखो डिस्टेंस एस घट रही है या बढ़ रही है डिस्टेंस एस घट रही है या बढ़ रही है घट रही है घट रही है दिख रहा है ना सबको किस रेट से घट रहा है माइनस टू से राइट है ना टू से घट रहा है तो माइनस टू लिखेंगे वहां पे प्लस म्यू है आपका फोर बाई थ्री डिस्टेंस बी आपका बढ़ रहा है घट रहा है डिस्टेंस बी बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है तो वहां पे क्या करेंगे प्लस 24 लिखेंगे एंड माइनस ऑफ एफ डिस्टेंस एफ बढ़ रहा है घट रहा है घट रहा है डिस्टेंस एफ घट रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है मयू डिस्टेंस एफ घट रहा है डिस्टेंस एफ ना बढ़ रहा है ना दूर जा रहा है वो 48 तो दिस विल बी माइनस ऑफ प्लस 48 हो जाएगा अब बस कैलकुलेशन है यहां से तो 3 आपका 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पे 2 थर्ड आ रहा है एंड प्लस 8 फॉर द 32 एंड माइनस ऑफ 48 आ रहा है सो दिस इज 2 थर्ड एंड माइनस ऑफ 16 सो दिस इज 48 मतलब माइनस ऑफ 46 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड ये आपका आंसर क्लियर है समझ आ गई सभी को डिस्टेंसेस जब भी आप चूज करते हैं डिस्टेंसेस के लिए वेरिएबल हमेशा फिक्स जगह से चूज करो सरफेस फिक्स जगह नहीं था इसलिए मैंने वहां से चूज ही नहीं किया ठीक है ठीक है yes. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं एन इक्विकन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इज फिटेड इन अ
ये आईटीजी का आया हुआ क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है बट काफी अच्छा क्वेश्चन है. इज फिटेड इन अ 80 सेंटीमीटर वाइड टैंक हुज अदर सरफेस इज सिल्वर्ड. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द ऑप्टिकल एक्सिस. लोकेट द फाइनल इमेज व्हेन टैंक इज एम्प्टी एंड नंबर टू व्हेन टैंक इज फिल्ड विद वाटर. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है. क्वेश्चन में जो आया था सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट आया था. मैं क्वेश्चन में मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट अपनी तरफ से ऐड कर दिया है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट मेरे तरफ से खुद से एडेड है, वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, मैंने उसको ऐड किया है. दोनों पार्ट मैं करता हूँ, देखो यहाँ पे चेक करो. क्वेश्चन के डेटा के अकॉर्डिंग मैं आंसर ड्रॉ मतलब एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. इक्विकन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ 30 का एंड 80 सेंटीमीटर वाइड टैंक है एंड ऑब्जेक्ट आपका 90 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है. ठीक है, कुछ ऐसा होगा. ये हमारा लेंस है, यहाँ पे कहीं टैंक है. ये इसका ऑप्टिकल एक्सिस है. अदर सरफेस इज सिल्वर्ड, मतलब ये वाली सरफेस को सिल्वर कर रखा है. ये वाली जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन ये आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर में. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर रखा है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज एट 90 सेंटीमीटर 90 एंड इसकी फोकल लेंथ आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर. बस यही, ठीक है. अब टैंक अभी खाली है, मतलब बीच में कुछ है नहीं, एयर ही है बस. अब आपको ये पता करना है कि इमेज कहाँ पे होगी. इमेज आपको ध्यान रखना है तब तक फॉर्म करना है जब तक रे फाइनली बाहर नहीं निकल जाता है और वो किसी से और टकरा नहीं सकता. ठीक है, तो पहले तो हम इस लेंस के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं. ये पहला पार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट. मैं काम कर उसको कॉपी करके रखता हूं. देखो यार, चेक करो. सो व्हाट आई एम डूइंग इज मैं ऑब्जेक्ट से एक रे कंसीडर करूंगा. आई विल कंसीडर रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. अच्छा, ये रे डायग्राम बनाने से पहले पहले डायरेक्टली कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं. सो फर्स्ट लेंस के लिए यूज कर रहे हैं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस. फॉर्मूला यूज करें, 1/v -1/-90 इज इक्वल टू 1/+30. सो व्हाट यू गेटिंग इज 1/v इज इक्वल टू 1/30 माइनस ऑफ 1/90. सो दिस बिकम्स एलसीएम इज 90. 3 - 1 = 2 एंड देयरफॉर v की वैल्यू आ रही है +45 आ रही है. मतलब यहां से ऐसे कह सकते हैं आप कि यहां से रे आया एंड ये आपका रे 45 पे इमेज बना दिया है. तो यहां पे कहीं यहां पे आपकी इमेज बन गई है. दिस इज योर फर्स्ट इमेज, I1 कह लेते हैं. ये इंटरमीडिएट इमेज है, फाइनल इमेज नहीं है. ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया, दिस इज 45. अगर ये 45 है तो इधर से कितनी हो जाएगी, 35 होगी. करेक्ट है, मिरर से 35 हो जाएगी, होगी ना. अब मिरर में रिफ्लेक्शन होने वाला है. इस रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा ये बताएंगे. इस रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा सर? I1. I1 हो जाएगा, राइट. अच्छा, एक काम, इसको थोड़ा सा, एक मिनट रुकिए, रे को थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर देते हैं, नहीं तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद मैं इसको ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा. रे में नहीं जाएगा, उसमें नहीं जाएगा. ठीक है, हाँ. सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहला रिफ्लेक्शन हो चुका है. अब रिफ्रैक्शन हो चुका है, अब I1 ऑब्जेक्ट है मिरर के लिए. तो मिरर कितने दूर पे इमेज फॉर्म करेगा, जितने दूर पे ऑब्जेक्ट है. तो I1 का देखो, अब इमेज मैंने यहाँ पे बना लिया है. यहाँ पे अब I2 बन गई है, ये I2 है, ये रिफ्लेक्शन के थ्रू बनी है. मतलब ये वाली रे को ही हम रिट्रेस करते इधर पीछे आ जाता. ये देखो, समझ आएगी आपको. अब ये रे वापस से लेंस से टकराने वाला है ना, टकराने वाला है. हाँ सर. इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है? I2. I2 ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 35. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 35 है, मतलब लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 35 दिख रहा है. हाँ, क्या कैलकुलेशन बता रहे बेटा. I2 अगर ऑब्जेक्ट है
और लेंस I2 के लिए, मतलब I2 ऑब्जेक्ट है लेंस के लिए, तो लेंस से आपको I2 का डिस्टेंस कितना दिख रहा है? 35 दिख रहा है क्या? नो सर, 90 होगा, मतलब 80 प्लस 35 कितना होता है? 80 प्लस 35 कितना होता है आपको ये नहीं पता है? 215 है। क्या कर रहे हो मुझे पता है, एडिशन भी नहीं कर रहे हैं फिर क्या क्लासेस का? सो सेकंड रिफ्रैक्शन आप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? सो सेकंड रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस कंसीडर करते हैं। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका 115 है, सो 1 बाय v माइनस ऑफ 1 बाय माइनस ऑफ 115 इज इक्वल टू 1 बाय f व्हिच इज प्लस 30, सो देयरफॉर 1 बाय v की वैल्यू बिकम्स 1 बाय प्लस 30 एंड माइनस ऑफ 1 बाय 115 आ रही है। यहाँ पे एलसीएम 30 इंटू 115 ही ले लेते हैं, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 115 माइनस 30, 115 माइनस 30 मतलब 85 बचेगी। ये 5 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 यहाँ से आपका होगा 23 से, ठीक है? सो v की वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ से, v इज कमिंग आउट टू बी 23 इंटू 3 इज 690 एंड डिवाइडेड बाई 17 आ रही है, ये प्लस में आ रही है। इसका मतलब यहाँ से 17 का एक बार वैल्यू देखे कितनी आ रही है, दिस इज प्लस 17, 4 तो 68 होती है एंड फिर 1 डेसिमल है तो 10, फिर डेसिमल 100 हो गया, 17 इंटू 5 इज 85, 17 6 102, ऑलमोस्ट 40.6 आ रही है, ऑलमोस्ट 40.6 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से ये रिफ्रैक्ट करेगी एंड फिर यहाँ से आके ये इमेज फॉर्म करेगी, दिस इज योर फाइनल इमेज, इसको आप आई लिख देते हैं एंड ये डिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से ये आपकी 40.6 सेंटीमीटर। देखो ये रे पूरा का पूरा बाहर निकल चुका है, मतलब यही क्या होगा, हमारा फाइनल इमेज होगा। अब तो ये रे ना तो किसी से रिफ्रैक्ट कर सकता है ना रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो आपको इमेजेस तब तक ट्रेस करना होता है जब तक आपका फाइनल रे जो है किसी के साथ रिफ्रैक्ट, ना तो किसी के साथ रिफ्रैक्ट ना तो किसी के साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है, तब तक आपको इमेज फॉर्म करते रहना है। क्लियर है, समझ आ गई सभी को? ठीक है, समझ आ गई है? चलो अभी सेकंड वाले पार्ट पर वो करते हैं। सेकंड वाला पार्ट जो आया हुआ क्वेश्चन था, उसने टैंक में इस बार पानी भर दिया है, नाउ द टैंक इज फिल्ड विद वाटर, क्वेश्चन का डेटा एक बार दिखा देता हूं आपको। टैंक इज फिल्ड विद वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 4/3 है एंड ग्लास जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 3/2 है। आपको एक डेटा याद है, मैंने लास्ट डे ही आपको लास्ट एक रेगुलर क्लासेस में कराया था कि अगर इक्वी कन्वेक्स है एंड म्यू का वैल्यू अगर आपको दे रखा है 3/2 है, देन फोकल लेंथ ही रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, याद है आपको? याद है ये लास्ट क्लास में कराए थे आपको? हाँ सर, हाँ ठीक है। इसका मतलब आपको इनडायरेक्टली ये पता चल गया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30 सेंटीमीटर है इन लेंस, इस लेंस का, ठीक है? अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों चाहिए, क्योंकि इस बार ये ध्यान दो आप कि इस साइड का जो मीडियम है, मतलब लेंस का लेफ्ट साइड का मीडियम और लेंस का राइट साइड का मीडियम क्या सेम है? नहीं सर। तो क्या हम लेंस फॉर्मूला वगैरह यूज कर सकते हैं क्या यहाँ? नहीं सर, नहीं, नहीं, तो लेंस फॉर्मूला यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो लेंस फॉर्मूला जब नहीं यूज कर पाओगे तो फिर आप कैसे इसको सॉल्व करोगे उसके लेंस के से? इसलिए वो नहीं कर पाएंगे, मतलब फोकल लेंस का कोई काम का ही नहीं मेरे पास यहाँ पे। हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों चाहिए? क्योंकि हमको रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला यूज करना है। आपको याद है दो मीडियम का, दो अगर लेंस के दोनों तरफ मीडियम डिफरेंट हो तो हमारा फॉर्मूला क्या था इमेज ट्रेस करने के लिए, याद है आपको? हाँ सर। तीन मीडियम है ना, तीन मीडियम है। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट मीडियम है, दिस इज म्यू 1 व्हिच इज 1 ऑब्वियसली, ये म्यू 2 है जो कि ग्लास का है व्हिच इज 4/3 एंड लास्ट, सॉरी 4/3 नहीं है, 3/2 है, ग्लास तो 3/2 है एंड लास्ट में आपका ये म्यू 3 है व्हिच इज 4/3। अब आपका फॉर्मूला क्या था याद है किसी को? म्यू 3 बाय वी माइनस ऑफ म्यू 1 बाय यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाय आर 1 एंड प्लस म्यू 3 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाय आर 2, याद है आपको? ये डिराइव भी किया था मैंने क्लास में। बोलिए मुझे अच्छे के ए जे माने f इक्वल्स टू r एटा पे शुद्ध राइट हैंड साइड पे दिखे अप्लाई करते हो, लेफ्ट दिखे तो अप्लाई करते हो। अरे लेंस का फोकल लेंथ आपको किस में दिया हुआ था? ये जो क्वेश्चन है इसमें एन इक्वी कन्वेक्स लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ये डेटा कहाँ का है?
एयर का है ना, हाँ हाँ, तो फिर लेफ्ट राइट क्या कर रहा है तू? So, अभी क्या करना है हमें, अब ये फॉर्मूला यूज करके अब हमें इमेज फाइंड आउट कर लेना है कि जब ये ऑब्जेक्ट से एक रे एयर ग्लास वाटर इंटरफेस पे स्ट्राइक करेगा तब इमेज कहां फॉर्म होगा? अभी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ पहला रिफ्रैक्शन का कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी फर्स्ट एयर ग्लास एंड फिर वाटर रिफ्रैक्शन कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? तो फॉर्मूला यूज करें, म्यू थ्री आपका 4/3 है, डिवाइडेड बाई वी नहीं पता, म्यू वन वन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका पता है -90 है, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस वी वन, मतलब ये हो जाएगा 3/2 -1 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज +30 प्लस 4/3 -3/2 एंड डिवाइड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज -30। देखो क्लियर है या नहीं, देख लो एक बार, चेक करो डायग्राम, डायग्राम से रिलेट कर लो सब ठीक मैच किया है नहीं किया है, ठीक है? ठीक है या नहीं, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ। अब बैलेंस को से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो 3/2 -1 इज हाफ, हाफ बाय 30, अच्छा मैंने 1/60 हो जाएगा यहाँ, एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4/3 -3/2 माइनस है माइनस माइनस 1/6 एंड यहाँ पे भी माइनस 30 है, मतलब 1/80 हो जा रहा है, 180, 60 का 18, हाँ 180 हो जा रहा है। तो यहाँ LCM आपकी 180 आ गई है, 3+1 4 हो जाएगा, मतलब 1/45 आ गई, 45। सो 4/3V इज इक्वल टू 1/45 एंड माइनस ऑफ 1/90 आ रही है, विच इज कमिंग आउट टू बी 90 LCM 2-1 1/90, ठीक है? इसका मतलब V की जो वैल्यू आ रही है, V इज कमिंग आउट टू बी 33 से कट जाएगा, V is coming out to be 13 × 4 = 120, ये +120 आ रही है, दिख रही है आपको? क्लियर है? ठीक है, कैलकुलेशन कर लिया है, यहाँ पे जो इमेज मुझे मिला है वो 120 सेंटीमीटर पे मिला है, 120 सेंटीमीटर मतलब कि ये जो सिल्वर्ड वॉल है उसके पीछे बन रहा है ना इमेज, सिल्वर्ड वॉल के पीछे बन रहा है ना इमेज, हाँ सर, मतलब ऐसा दिखाएं अगर इसको, देखो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये देखो ये वाली रे को अगर हम पीछे ले जाते हैं इसे, ऐसा कुछ देखो, यहाँ पे आपकी इमेज बन रही है, ये आपकी पहली इमेज बनी है एयर ग्लास वाटर इंटरफेस के रिफ्रैक्शन से, एंड ये वाली जो डिस्टेंस आपने फाइंड की है, ये वाली जो डिस्टेंस आपने फाइंड किया, ये डिस्टेंस कितना है 120, मतलब 40 सब्ट्रैक्ट, ये 40 दिख रही है क्या आपको? चेक करो एक बार, दिख रही है? हाँ सर, हाँ सर। अब मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? I1 है ना? मिरर के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? I1। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या होगा? रियल होगा ना? हाँ सर। रियल रियल इमेज बनाएंगे कितने दूर पे? एग्जैक्टली 40 पे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे 40 पे एक इमेज बन गया है, और फिर ये जाके आपका फिर वापस से लेंस में स्ट्राइक करेगा, ये देखो ये आपकी I2 बन गई है, एंड ये I2 एग्जैक्टली 40 पे होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका 40 पे है, तो ये आपको 40 हो गया, ठीक है? अब अगर ऑब्जेक्ट 40, मतलब ये I2 देखो राइट साइड से 40 पे है, तो लेफ्ट साइड से भी 40 पे हो जाएगा ना, क्योंकि 80 - 40 बिकम 40, राइट? अब I2 किसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है बताइए मुझे, जब ये रे ग्लास सॉरी वाटर ग्लास एयर में रिफ्रैक्ट होगा, दिख रही है आपको? दिख रही है आपको? अब ये रे वापस से कहां से रिफ्रैक्ट होने वाला है? ग्लास वाटर फिर ग्लास फिर एयर में निकलने वाला है, मतलब फिर से वापस से 3 मीडियम का रिफ्रैक्शन यूज होने वाला है, तो वापस से उसमें 3 मीडियम का रिफ्रैक्शन यूज करेंगे, तो सेकंड अभी यूज कर रहे हैं, ठीक है? सो सेकंड रिफ्रैक्शन इज वाटर ग्लास एयर रिफ्रैक्शन कंसिडर करेंगे, इसका मतलब इस बार उल्टा हो गया है, μ1 μ2 μ3 पूरा उल्टा हो गया, हो गया ना उल्टा, म्यू वन कौन हो गया है? वाटर, म्यू टू तो आपका बीच वाला ही रह गया ग्लास, एंड म्यू थ्री आपका हो गया एयर हो गया, ठीक है? तो वही यूज करेंगे, तो 1/V - μ3/V लिखा है, -μ1/U लिखेंगे, सो 4/3
by u, object distance is minus 40, is equal to mu 2 minus mu 1, matlab 3 by 2 minus 4 by 3, divided by radius of curvature, which is plus 30, minus of mu 3 minus mu 2, matlab 1 minus of 3 by 2, and divided by minus of 30 area. ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3 3 9 2 8 1 by 180 आ रही है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आ रही है माइनस, ये हो गया माइनस हाफ, और यहाँ पे माइनस प्लस, मतलब माइनस ऑफ 1 by 30 आ रही है, ना 60 आ रही है, 60, ये 1 by 60 आ रही है. और यहाँ से इसको लिख सकते हैं आप, यहाँ से एलसीएम आपका हो गया 180, 1 माइनस ऑफ, ये हो रही है आपके पास 3, ठीक है. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ 1 by 90 आ रही है. सो देयरफॉर 1 बाय वी की वैल्यू हो गई है, ये तो यहाँ से 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 by 30. सो 1 बाय वी इज कमिंग आउट टू बी 1 बाय माइनस 90 एंड माइनस ऑफ 1 by 30. सो यार ये 90 एलसीएम, सो माइनस ऑफ 1 plus 3, तो ये हो रही है आपके पास माइनस ऑफ 3, तो आ रहा है, ठीक है. सो 3 4 हो गया ना, कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या मैंने एक बार, वैल्यू तो ठीक है. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ 45 divided by 2, मतलब 22.5, minus of 22.5 centimeter पे आ रही है. अच्छा नहीं, ये 1 by v का value है ना, नहीं ठीक है, ये 1 by v है, तो यहाँ से आपको v की value मिल रही है, minus of 22.5 centimeter मिल रही है. इसका मतलब ये range जो है ये, बट मुझे लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने कर दिया यहाँ पे, सेकंड वाले पार्ट में कोई चेक कर लेते हैं, क्योंकि आंसर ऐसा शायद नहीं था मेरे जितना याद आ रहा. μ3 by v minus of μ1 by u is equal to μ2 minus μ1, 3 by 2 minus 4 by 3 by radius of curvature which is plus 30, minus of μ3 minus μ2, μ3 is third which is air, माइनस ग्लास विच इज 3 by 2, एंड देन माइनस ऑफ, अच्छा अच्छा यहाँ नहीं नहीं यहाँ गलत हो गया, ये वाला पार्ट गलत हो गया, यहाँ माइनस नहीं होगा ना, प्लस होगा ना, हाँ नहीं ये गलत हो गया, ये प्लस होगा, तभी मैं सोचूं आंसर ये तो नहीं था, मतलब आंसर तो अच्छा करेगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ये वापस से 1 by 45 आ जाएगा. ये 1 by 45 आ रही है. प्लस 1 by 45. ठीक है. सो देयरफॉर v की वैल्यू कितनी आ रही है? v इज कमिंग आउट टू बी प्लस 45 आई है, आ रही है ना, प्लस 90 आ रही है ना, आ रही है, ठीक है. अब v प्लस 90 होने का मतलब क्या है? इमेज ऑब्जेक्ट पे कोइंसाइड कर गया क्या? है ना, तेरे वापस से क्या होगा, यहां से रिफ्रैक्ट करके वापस से ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा. समझ आएगी सभी को? हाँ सर, हाँ सर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर एंड म्यू इक्वल टू 3 by 2 इज कट अलोंग द डायमीटर इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स इन अ प्लेस कंटेनिंग, इन अ प्लेन होगा, प्लेस नहीं, इन अ प्लेन कंटेनिंग प्रिंसिपल एक्सिस. And a point object A is placed at 45 centimeters from the lens. In the process of cutting, 4 mm of material is symmetrically lost. Now the two halves are stuck to each other to form a new lens. Find the separation between images formed.
अगेन देखो यहाँ पे इक्वी कन्वेक्स उसने कह रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ म्यू दे रखा है, तो क्या यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, यहाँ से इस डेटा से क्या मैं लिख सकता हूँ कि फोकल लेंथ की वैल्यू ही रेडियस ऑफ कर्वेचर है? लिख सकते हैं, कैलकुलेशन बच गया हमारा, फोकल लेंथ निकालने की जरूरत नहीं है। अब उसने कह रखा है कि इसको उसने कट किया है डायमीटर के अलोंग, मतलब अगर आप ये एक लेंस लेते हो, ये एक लेंस है, इमेजिन करो मेरा हाथ को एक लेंस की तरह सोचो, ऐसे एक लेंस है। अब लेंस का आप बहुत सारा डायमीटर है, यहाँ डायमीटर है, ऐसा डायमीटर है, ऐसा डायमीटर है, बहुत सारे डायमीटर है, बट कौन से डायमीटर के अलोंग आपने कट किया है? तो उसके लिए उसने क्या रखा है, इन अ प्लेन कंटेनिंग प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है उस लेंस का, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसको कंटेन करता हुआ डायमेट्रिक प्लेन से, मतलब ऐसे काटा है। समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये हमारा लेंस है और ये लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है। आपको याद है एक लेंस का ऑप्टिकल सेंटर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स का लेंस का जो होता है टुकड़ा होता है, सबका ऑप्टिकल सेंटर एक ही होता है, याद है आपको? हाँ सर। ठीक है, सो ये ओसी है उसका, दिस इज ओसी। ठीक है, और यहाँ पे जब हम इसको काट रहे थे तो उसने देखो क्वेश्चन में क्या रखा है, इस प्लेन के अबाउट हमने काटा है। जनरली आप कोई चीज को काटते हो तो काटने से मटेरियल थोड़ा सा लॉस होता है या नहीं होता है? जो डस्ट की तरह निकलता है, होता ही नहीं होता? Yes. आप रबर से भी इरेज करते हैं तो थोड़ा सा तो डस्टिंग होता है ना, बाहर निकलता है ना। समझ आ रही है? तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, जब आप मटेरियल को काट रहे थे तो उसने कह रखा है सिमेट्रिकली मटेरियल लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ देखो, उसने दे रखा है 4 mm का मटेरियल लॉस हुआ है और सिमेट्रिकली लॉस हुआ है, मतलब आप ये मान के चलेंगे कि 2 mm ऊपर से लॉस हुआ है और 2 mm नीचे से लॉस हुआ है। समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? तो इस केस में अब अगर मैं इसको यहाँ से ऐसा दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये देखो, तो मैं ये 4 mm का मटेरियल यहाँ पे मार्क करने के लिए ये लाइंस ड्रॉ किया मैंने, तो मैं ये मार्क कर रहा हूँ यहाँ से कि इधर से ये बेसिकली 2 mm लॉस हुआ है, दिस इज 2 mm ओवर हियर एंड यहाँ पे भी आपका 2 mm है। ये वाला पार्ट बेसिकली हम लूज करने वाले हैं, समझ आ रही है आपको? ये वाला, सॉरी, वी आर गोइंग टू लूज दिस पार्ट। समझ आ रही है आपको? और लूज करने के बाद उसने क्या किया, उसने क्या बोला क्वेश्चन में, उसने बोला है कि काटने के बाद जो 2 पार्ट ऊपर और नीचे वाला पार्ट बचा है उसको वापस से लाके क्या किया, उसने जोड़ दिया। समझ आया? तो जोड़ोगे तो देखो, अगर मैं लेंस को वहीं छोड़ देता काटने के बाद, मतलब ये वाला पार्ट इमेजिन करो कि आपका ये कटा हुआ ऐसे ही रह जाता, ये काटा हमने और सोचो ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ऊपर वाला पोर्शन का ऑप्टिकल सेंटर और नीचे वाले का ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, एक ही जगह पे होता है ना? हाँ सर, हाँ सर, राइट। बट ऐसा उसने किया नहीं है, उसने बोला कि अब ये वाला जो दोनों पार्ट बना हुआ है हमारे पास, इन दोनों पार्ट को क्या करेंगे, वापस में लाके जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में लाके जोड़ देंगे। तो जब हम इन दोनों को आपस में लाके जोड़ेंगे तो ऊपर वाला जो सेगमेंट था वो नीचे आ गया और नीचे वाला जो सेगमेंट था वो ऊपर चला गया, तो अब क्या इन दोनों का ऑप्टिकल सेंटर सेम रहा या ऑप्टिकल सेंटर डिफरेंट हो गया दोनों का? डिफरेंट हो गया ना? समझ आ रही है? तो अब आपके पास देखो सिचुएशन, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को जो दिया हुआ था क्वेश्चन का डेटा उसके अकॉर्डिंग मैं एक बार रीड्रॉ कर लेता हूँ। अब हम इसको नीचे लाने वाले हैं, और इसको हम ऊपर ले जाने वाले हैं। दिख रही है आपको? समझ आ रही है? समझ आ रही है? सर, अगर मैं इसको सपोजली मैं इसको लेंस वन कह रहा हूँ, मतलब ये फर्स्ट पोर्शन ऑफ लेंस कह रहा हूँ, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस नीचे वाला जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस पोर्शन वन का है, ये समझ आ रहा है आपको? ये वन है, समझ आ रहा है आपको?
ठीक है, मतलब उसका ऑप्टिकल सेंटर जो होगा वो सेकंड वाले लेंस के अंदर घुसा हुआ होगा, मतलब ऐसा सोच सकते हैं आप यहाँ पे कहीं, दिस इज ओ सी वन या सी वन लिख लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, सी वन लिख लेते हैं, सी वन या ओ सी वन लिख लेते हैं, ज्यादा सिंबॉलिक होगा, ओ सी वन है। सिमिलर तरीके से जो आपका जो नीचे वाला लेंस था उसको मैं अगर टू मार्क कर रहा हूँ तो उसका प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर चला गया था, सो दिस इज पी ए टू नाउ, दिस इज पी ए टू, और इसका ऑप्टिकल सेंटर आपका यहां शिफ्ट हो गया है, दिस इज ओ सी टू। समझ आ गई है? देखो डायग्राम में समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ये कॉमन ऑप्टिकल सेंटर है, दिस इज कॉमन ऑप्टिकल सेंटर फॉर बोथ, जब आपने काट के अलग नहीं किया होता, मतलब दोनों को चिपकाया नहीं होता, कॉमन ऑप्टिकल सेंटर, बट यहां पे जब आपने चिपका दिया तो ओसी वन ऑप्टिकल सेंटर फॉर अपर लेंस एंड ओसी टू इज ऑप्टिकल सेंटर फॉर लोअर लेंस। अब आपने क्या कर रखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो क्या दिया, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ए इज प्लेस्ड एट 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, पॉइंट ऑब्जेक्ट ए इज प्लेस्ड एट 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए, एंड ये यहां से 45 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, तो कितने दूर पे दोनों इमेजेस फॉर्म करेंगे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इमेजेस का फॉर्मूला लगाएं, तो 1 बाई वी माइनस ऑफ 1 बाई यू विच इज माइनस 45 इज इक्वल टू 1 बाई एफ विच इज प्लस 30 था, हाँ 30 था, सो देयरफॉर वी की वैल्यू मिल रही है आपको, ये आरएचएस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 1 बाई 30 माइनस ऑफ 1 बाई 45 एंड इसका इनवर्स ले लेना है, तो एलसीएम तो क्लियरली आपको दिख रहा है 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 एंड फिर इसका इनवर्स लेना है, सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 90 आ रहा है ना, चेक करो एक बार, 90 आ रही है, 90 आ रही है। इसका मतलब जो ऊपर वाला लेंस है उसका इमेज जो फॉर्म होगा और 90 मतलब जो नीचे वाला लेंस है उसका इमेज फॉर्म होगा, दोनों का ही 90 सेंटीमीटर पे दूर होगा, बट सिंस दोनों का ऑप्टिकल सेंटर डिफरेंट है, दोनों की ऑप्टिकल सेंटर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली दोनों की इमेजेस भी तो डिफरेंट फॉर्म होगी, राइट? तो अब आप अगर इमेजेस फॉर्म करोगे, देखो तो पहले मैं ओसी वन से इमेज फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऊपर वाले लेंस के लिए फॉर्म कर रहा हूँ, देखो ये ऊपर वाले लेंस का इमेज है, ये आपको 90 सेंटीमीटर पे बनाना है, ये देखो यहां पे आपकी इमेज बन गई है, दिस इज आई वन और ये जो डिस्टेंस है आपने फाइंड कर लिया ये है 90 सेंटीमीटर पे, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस आप बता सकते हैं कितनी होगी, देखो तो ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, सिंपल ज्योमेट्री देखो, परपेंडिकुलर बेस का रेशियो सेम होना चाहिए, तो इधर से देखो ये डिस्टेंस कितना था, याद है आपको 2 mm था ना, रिमेम्बर, राइट? हाँ सर। तो परपेंडिकुलर बेस का रेशियो सेम रख लो, तो अगर इसको मैं सपोजली इसको वाई कह रहा हूँ, इसको वाई कह रहा हूँ, तो क्या लिख सकते थे हम यहाँ पे, वाई डिवाइडेड बाई 90 This should be equal to 2 divided by 45. इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 mm आ गई है, दिख रही है आपको? और वैसे भी कर सकते थे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू h हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v बाई u, वो उस फॉर्मुले को यूज करके करते तो भी सेम आता। अब जैसे इसका फॉर्म किया, सेम तरीके से क्या होगा आपका OC2 में भी फॉर्म होगा, मतलब नीचे वाले लेंस के लिए भी सेम तरीके से फॉर्म होगा और एग्जैक्टली उतने ही दूर पे फॉर्म होगा, बस डिफरेंस है कि आप एक नीचे फॉर्म हुआ था दूसरा ऊपर फॉर्म होगा और कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहां पे आपकी I2 फॉर्म हो गई है, दिस इज योर I2 इमेज और ये डिस्टेंस भी ऑब्वियसली आपका y होगा एंड ये y भी आपका 4 mm का होगा और ये ऑलरेडी 4 mm का था यहाँ पे, दिस वॉज 4 mm ऑलरेडी, मतलब दोनों का जो कटिंग वाला मतलब काट के जो मेटेरियल लॉस हुआ था उसकी वजह से वो आपका 4 mm का ऑलरेडी था। उसने सेपरेशन बिटवीन इमेजेस पूछा है, तो सेपरेशन बिटवीन इमेजेस दिख रहा है आपको कितना है, 4 mm प्लस 4 mm प्लस 4 mm कितना हो गया 12 mm, दिख रही है, दिख रही है? हाँ सर। तो देयरफॉर सेपरेशन बिटवीन इमेजेस इज I1 I2
and that is equal to 12 mm. ये आंसर हो गया। इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही था कि ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली एक लेंस के लिए छोटे छोटे टुकड़ों का भी फिक्स्ड होता है। तो अगर मैं काटने के बाद अगर लेंस को मूव नहीं किया होता तब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही इमेज बनता। बट द मोमेंट यू शिफ्टेड देम, इसका मतलब ऑप्टिकल सेंटर इंडिविजुअल पोर्शंस का आपने शिफ्ट कर दिया, यानी इससे आपका दोनों अलग अलग लेंसेज बन गए एंड दोनों का अलग अलग इमेज फॉर्म करना पड़ता। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में काफी सारा ज्योमेट्री यूज करना है। आप देखो, क्वेश्चन देखो, एक कन्वेक्स लेंस दे रखा है और एक कनकेव लेंस दे रखा है। कन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है और कनकेव लेंस का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पे इंक्लाइंड है। एक बीम ऑफ पैरेलल रेज हमने कन्वेक्स लेंस पे देखो इंसिडेंट करा रखा है और लेंसेज, दोनों जो लेंसेज हैं कन्वेक्स और कनकेव, उन दोनों के बीच का सेपरेशन 2f दे रखा है और बोला है कि फाइनल जो इमेज बनेगा उसका कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज मतलब कि एक जो कन्वेक्स लेंस में बना इमेज, फिर वो इमेज बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट की तरह किसके लिए, कनकेव के लिए। उसके बाद कनकेव के लिए आपको वापस से इमेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो स्टेप है। मैं करता हूं, देखो पहला इमेज कहां पे बन रहा है, ये तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है फाइंड करना। पहला इमेज कहां पे बनेगा, एफ पे, है ना। ये कन्वर्जिंग लेंस पे इंफिनिटी से रेज आ रहे हैं तो कहां पे कन्वर्ज करेंगे, फोकल लेंथ पे इन कन्वर्ज करेंगे। तो मैं यहां पे एक रे ले रहा हूं, ये आपका एकदम बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, देखो दोनों के ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, तो ये अनडिवीटेड निकल जाएगा ना, होगा ना अनडिवीटेड, ठीक है। अब इससे पहला कोई एक सेट ऑफ रे ले लेते हैं, जैसे ये वाली रे है सपोजली, मान लिया मैंने, ये रे हमने यहाँ पे इंसिडेंट करा दिया एंड फिर जाके लेंस में टकरा रहा है, यहाँ पे जाके ये इंसिडेंट हुआ है। ये हमारा फर्स्ट इमेज है, आई वन कह लेते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी एफ हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज एफ, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो I1 behaves as object for convex concave lens, right? है ना? अब अगर ये object है, तो ये actually principal axis से ऊपर रखा हुआ है ना ऊपर, देखो तो ध्यान से, दिख रही है? अपने डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे टर्न करो, मतलब ऐसे सोचो, नॉर्मली ऐसे सोचो, तुमको कंसेप्ट का यूज करना है, ऐसे सोचो जैसे अगर मान लो कि ये लेंस होता, सपोजली ये लेंस होता, ठीक है, और ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा हुआ है, तो आपको इसका इमेज निकालना तो आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, राइट right? इसका एक्स डिस्टेंस आप यहां से लोगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा एंड मैग्निफिकेशन के लिए आप हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कर लेंगे, यही करेंगे। देखो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन वही है, बस डायग्राम थोड़ा सा क्या है, इसने टर्न कर दिया है, समझ आ रही है आपको? तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे लिए कौन सा होगा ये आपको पता चल रहा है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओवर हियर? क्या ये वाला डिस्टेंस देखो तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या? देखो तो है क्या? हां हां, समझ आ रही है आपको? परपेंडिकुलर ड्रॉप के वहीं से पता चलना चाहिए आपको। देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या हुआ है, सो मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको U2 लिख लेते हैं जस्ट टू इंडिकेट किया सेकंड वाले लेंस के लिए, और ये डिस्टेंस आएगा देखो आप, ये डिस्टेंस आपको पता है, यू नो दिस डिस्टेंस इज F, F cos alpha, F cos of alpha, ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई आपको, ठीक है ना, ठीक है। तो F cos alpha आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो हम इसका इमेज डिस्टेंस आराम से फाइंड कर सकते हैं। हाइट की भी बात नहीं कर रहे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट की बस बात कर ले, मतलब ये जस्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे इमेज बनेगा बस वो फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कनकेव लेंस के लिए कर रहे हैं, सो फॉर कनकेव लेंस 1 by v minus of 1 by u, object distance is f cos alpha with a negative sign obviously, and that is equal to 1 by minus of f. So 1 by v की value आ रही है, 1 by f common कर लिया negative sign के साथ, and 1 plus 1 by cos alpha आ रही है, इसका मतलब जो v की value हो गई है that is minus of f cos alpha divided by
1 plus cos alpha 1 plus cos alpha ठीक है चेक करो एक बार ठीक है ये आई है कैलकुलेशन में ओके आपको ये पता है ना कि जो इमेजेस बनते हैं जो भी इमेजेस बनते हैं वो इमेजेस बनाने के लिए हमको कम से कम तो दो रे चाहिए राइट उसमें से एक रे तो आपका ऑप्टिकल सेंटर से जो पास कर रहा है वो तो फिक्स हो गया वो सबसे आसान रे है ठीक है बट दूसरा एक और रे है दूसरा एक और रे कौन सा है जो हमने अभी ऊपर से देखो बेंड करके दिखाया है ठीक है तो ये दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे ही होगा होगा ही नहीं होगा अगर मैं ये वाली देखो अब ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ और यहाँ पे देखो इसका रिफ्रैक्शन से मैंने इमेज भी बना लिया एक मिनट रुको इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ जस्ट सेकंड मिनट अब देखो यहाँ पे तो ये रे को हमने यहाँ से ऐसे बेंड करके यहाँ से निकाल दिया है और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा यहाँ पे कर दे तो ठीक है तो देखो जो तो ये रे को हम क्या कर रहे हैं यहाँ से डाइवर्जिंग लेंस से ध्यान रखना तो डाइवर्ज कराया मैंने और ये डाइवर्ज करके ये रे बैक ट्रेस करो इसको तो यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है दिख रही है आपको दिख रही है सर और यहाँ पे आपकी इमेज बन गई है दिस इज योर फाइनल इमेज ये आपकी फाइनल इमेज हो गई है ठीक है और इस इमेज का जो यहां से डिस्टेंस आएगा देखो ये वाला डिस्टेंस इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ये डिस्टेंस है देखो आपने फाइंड आउट कर रखा है यू हैव फाउंड आउट दिस डिस्टेंस ये डिस्टेंस आपने फॉर्मूला लगा के निकाला है कितना आया ये एफ कॉस अल्फा बाई वन प्लस कॉस अल्फा दिस हैज बीन फाउंड आउट टू बी एफ कॉस अल्फा बाई वन प्लस कॉस अल्फा आया है क्या देखो चेक करो एक बार ठीक है ठीक है अब एग्जैक्टली अगर ये सोचोगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना आपको ये पता चल जाएगा ये वाला डिस्टेंस कितना है एफ बाई वन प्लस कॉस अल्फा समझ आ रहा है ये वाला जो रेड कलर से मैंने लाइन अभी मार्क किया है दैट डिस्टेंस इज एक्चुअली एफ बाई वन प्लस कॉस अल्फा क्योंकि उसी का कॉस अल्फा लोगे तब तो ये बेस वाला लेंथ मिल रहा था समझ आ रही है तो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे देखो सो यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं एक बार ये वाले डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिए दिस डिस्टेंस इज एफ डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस अल्फा तो एक्स कोऑर्डिनेट आपको इमेज का मिल गया है ना देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट इमेज का मिल चुका है टू एफ में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है एफ बाय वन प्लस कॉस अल्फा सो विच इज कमिंग आउट टू द एफ कॉमन ले लिया सो ये जाएगा टू माइनस वन तो वन प्लस 2 cos alpha and divided by 1 plus cos alpha देखो चेक करो ठीक है ना आपको x coordinate of image मिल चुका है ठीक है बट आपको y coordinate मिला है क्या y coordinate तो obviously आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि x axis पे ही अगर intersection हो रहा है तो y coordinate कितनी है जीरो ही है ना है ही नहीं है तो final coordinates of image क्या हो गई है so therefore coordinates of image चाहिए थी coordinates of image is this will be f into 1 plus 2 cos alpha f into 1 plus 2 cos alpha divided by 1 plus cos alpha and comma 0 ये आपका final answer हो जाएगा इसमें अगर देखोगे तो mainly geometry था है ना है नहीं है mainly तो geometry था आपको अगर ज्योमेट्री समझ आ रहा है तो फिर इतना कोई दिक्कत नहीं होगा ज्योमेट्री अगर नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है आगे बढ़े एक और क्वेश्चन इसी तरह का है सिमिलर सा है ये वाला ये जेई में 2016 में आया हुआ है इस क्वेश्चन में
पहले एक बार पढ़ता हूँ फिर आपको रिकलेक्ट कराता हूँ। एक थ्योरी एक चीज मैंने थ्योरी की तरह पढ़ाया था उसका कंसेप्ट का यूसेज है यहाँ पे। अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। देखो डायग्राम में एक एरो हेड की तरह मार्क कर रखा है, देखो वो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये देखो 50 सेंटीमीटर मतलब इसकी कोऑर्डिनेट्स मार्क कर रखी है उसने -50। थिन कन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर भी मार्क कर रखी है। उसके बाद उसने क्या रखा है, कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर। ये कन्वेक्स मिरर है आपका, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर दे रखा है। इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस भी आपका 50 मार्क किया हुआ है। The mirror is tilted such that the axis of the mirror is at an angle of 30 degree. ये देखो डायग्राम में ये 30 degree मार्क कर रखा है। If the origin of coordinate system is taken to be at center of lens, the coordinates of the image कहाँ है वो आपको find out करनी है, ठीक है? Image की coordinates निकालनी है आपको। अब इसमें क्या करेंगे? जैसे आपको एक चीज सोच के बताना। Supposedly mirror ऐसा होता, ऐसा मतलब एकदम नॉर्मली जैसे हम लोग कॉमन को एक्सेस होता, मतलब लेंस का जो एक्सेस था वही मिरर का भी अगर एक्सेस होता, ऐसा क्वेश्चन होता, तब तो ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता। होता क्या है डिफिकल्ट? क्योंकि लेंस का जो इमेज बनेगा वो मिरर के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और उसका सिंपली मिरर का फॉर्मूला लगा लेते काम खत्म हो जाता, राइट? है ना? हां सर। ठीक है सर। एक रे अगर मैं इसके फुट से लेता, इसके फुट से लेता, तो ये वाली रे देखो लेंस से तो अनडिविडेड पास करती, राइट? ठीक है ना? सर। और मिरर में ये इसी पाथ पे रिटर्न कर जाता अगर कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस होता तो, ठीक है? बट जब मैंने मिरर को टर्न कर दिया बाय एन एंगल ऑफ थीटा, रिमेम्बर आपको याद है एक कंसेप्ट कि अगर हम इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हैं और मिरर को टर्न करते हैं बाय एन एंगल थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे 2θ से टर्न हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ऐसे आ रहा था, अब वो एक्चुअली इधर चला जाएगा ना, क्योंकि इधर से भी थीटा, देखो 2θ आ गया, ये टोटल एंगल देखो 2θ हो जाएगा, दिख रही है आपको? हाँ सर। समझ आ रही है? तो अब बेसिकली आपको इससे इमेज निकाल लेनी है, बस इतना ही सोचना है आपको। समझ आया आपको? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। सो व्हाट वी डू इज हम इस क्वेश्चन के सेटअप को जस्ट थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लेंस रहने दे रहा हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉमन है, और यहाँ पे हमारा मिरर भी रख दिया हमने, ये मिरर है और यहाँ पे कॉमन एक्सिस है, ठीक है? एक्सिस को मैंने टर्न नहीं किया, यहाँ पे कॉमन एक्सिस है, ठीक है? ये मैं मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना करें। अब यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ओवर हियर, इसकी डिस्टेंस हमें दे रखी है, ये डिस्टेंस हमारी 50 है एंड इसके साथ भी डिस्टेंस हमें दे रखी है, ये डिस्टेंस भी 50 है एंड लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 है, मतलब फोकल लेंथ इसकी 30 है, ये अच्छा मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 है, लेंस की फोकल लेंथ 30 है, इसकी फोकल लेंथ 30 और मिरर की फोकल लेंथ 50 है, क्योंकि 100 बाई 2 करोगे तो 50 आ जाएगी, ठीक है? ये डेटास है हमारे पास। अब पहले लेंस के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है? फॉर लेंस के लिए यूज कर रहे हैं 1 बाई वी माइनस ऑफ 1 बाई यू विच इज माइनस 50 इज इक्वल टू 1 बाई एफ विच इज प्लस 30। सो देयरफॉर 1 बाई वी की वैल्यू आ रही है 1 बाई 30 माइनस ऑफ 1 बाई 50, एलसीएम हो गया आपका 150, ये हो गया 5 माइनस 3, तो यहाँ से v मिल रही है आपको प्लस 75 मिल रही है, ठीक है? प्लस 75 पे आपकी इमेज बननी है, प्लस 75 पे अगर इमेज बननी है तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैंने एक रे यहीं से पास करा दिया और एक रे इधर से पास कराइए, तो ये दोनों रे को अगर मैं बैक ट्रेस करता यहाँ पे पीछे में अगर भेजता तो यहाँ पे इमेज बनती आपकी, बनती अगर वो मिरर नहीं होता तो यहाँ पे हमने इसको आई वन कह लेते हैं और ये डिस्टेंस होती है हमारी 25।
होती ना, राइट? बट ये फाइनल इमेज नहीं है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, अब इसको ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेंगे आई वन को, और अब मिरर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है? सो फॉर मिरर अब लगाने वाले हैं। सो फॉर मिरर, मिरर के लिए क्या करेंगे हम, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू विच इज प्लस 25 इज इक्वल टू 1 बाई एफ विच इज प्लस 50। सो देयरफॉर 1 बाई वी बिकम्स 1 बाई 50 माइनस ऑफ 1 बाई 25 which is coming out to be minus of 1 by 50 आ रही है, मतलब v की जो value आ रही है that is minus of 50 centimeter आ रही है। minus 50 आने का मतलब कहाँ है, जहाँ पे lens रखा है वहीं है ना, right sir? ठीक है, ठीक है, तो ये वाली ray आपकी इधर से इधर आ जाती एंड यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो जाता, ये हमारा आई टू फॉर्म होता, करेक्ट है? ठीक है ना, ठीक है सर। अब फिर से रिफ्रैक्शन लेंस के थ्रू होता अगर यही सिचुएशन होता तो, ठीक है, अगर यही सिचुएशन होता, बट द मोमेंट यू हैव टर्न्ड द मिरर बाय एन एंगल ऑफ 30 डिग्री तो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी 60 डिग्री से सारे टर्न हो जाएंगे, 30 का डबल 60, और अगर 60 से टर्न हो गया तो क्या वो रेज वापस से लेंस पे स्ट्राइक कर पाएंगे क्या रिफ्लेक्ट होने के बाद? लेंस याद है छोटे अपर्चर का होता है, डू रिमेम्बर सर? याद है आपको? बस ऐसे सोच के देखो कि ये वाले जो सेट ऑफ रेज है, ये वाले जो सेट ऑफ रेज है, ये वाला रे और ये वाला रे जो रिफ्लेक्ट होके गया है, जो जिसने इमेज फॉर्म किया है, तो ये दोनों को ही अगर मैं 60 डिग्री से टर्न कर दूं इधर और इधर, तो अब ये तो लेंस के थ्रू पास ही नहीं करेगा, समझ आ रहा है आपको? हां सर, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है? तो वही चीज अब हमें करना है, अब हमें वो कॉन्सेप्ट को यूज करनी है। सो नाउ व्हाट वी डू इज एज वी नो दैट कीपिंग इंसिडेंट रे फिक्स्ड इफ मिरर इज टर्न्ड थ्रू थीटा देन reflected rays turn through 2 theta, that's it. Image, अब क्या करेंगे अब हम इसको देखो, अब यहाँ पे मेन हमारी क्रिएटिविटी है, मजेदार चीज यहीं पे है। ये वाली पार्ट को अब गायब करने वाले हैं, इसका नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते पहले। सो ये एंगल है हमारा थीटा, तो अब रिफ्लेक्टेड रेज हमारे 2 थीटा पे टर्न कर जाएंगे, ये एक रिफ्लेक्टेड रे होगा और ये एक रिफ्लेक्टेड रे होगा, और इमेज अब आपकी यहां से शिफ्ट होकर यहां पे आ गई होगी, ये आपकी फाइनल इमेज हो गई, समझ आई आपको? हाँ सर, ठीक है, ये एंगल भी आपका थीटा हो गया, ठीक है, इसका मतलब 2 थीटा, मतलब 2 थीटा आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है, 30 का डबल 60 हो गया। अब ये डिस्टेंस देखो, यहां से देखो, ये मैंने एक सर्कुलर आर्क लिया, देखो ये एक सर्कुलर आर्क है, तो ऑब्वियसली ये वाला लेंथ आपको पता है ना कितना है, 50 है ही नहीं है, है ना 50? हाँ, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको पता है, दिस लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है, आग की वजह से, तो अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी आपके पास, कितनी आएगी, 50 इंटू कॉस 60,
which is basically 25. तो इसका मतलब ये वाला लेंथ भी कितनी हो गई, 50 माइनस 25 हो गई, 50 माइनस 25 विच इज बेसिकली 25. एंड ये वाली जो लेंथ आ गई है यहां से यहां तक की, ये वाली लेंथ, दिस लेंथ विल बी 50 इनटू साइन 60 विच इज 25 इनटू रूट 3 सेंटीमीटर्स. सो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाना चाहिए क्योंकि ओरिजिन लेंथ में था, याद रखना. तो एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए 25 एंड वाई कोऑर्डिनेट होनी चाहिए आपकी 25 रूट 3 होनी चाहिए. X कोऑर्डिनेट 25 एंड Y कोऑर्डिनेट 25 रूट 3. देखो समझ आई है नहीं आई है, समझ आई है? ठीक है सर. ठीक है चलो. अच्छा इसको स्टॉप करते हैं.